लिखना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लास्ट में बता ही दिया गया था, अगर आप किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हो, किसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हो, तो वो दिया गया फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लिखना इसी बात को, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर, आर कोई भी एक कोडोमेन है जो भी आपको सेट दिया जाएगा, रियल नंबर का सेट मत मानना, ठीक। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज सेट टू बी, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, मतलब इसके अलावा आप कोई और दूसरी बात नहीं कह सकते हो, हर बार यही बात है, इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन कैपिटल ए। ऑन कैपिटल ए कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ना पूरे के पूरे डोमेन पर इसको क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक। दस अतः दस F is continuous if, इसलिए F continuous होगा if it is continuous, if it is continuous at every point of its domain, अगर ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कैसा बना रहे, कॉन्टिन्यूअस बना रहे, ठीक। कॉन्टिन्यूअस की बात हो चुकी है, अब बारी किसकी, डिसकॉन्टिन्यूअस की। तो हेडिंग डाल देना डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, और डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस टाइप की होती है इसकी भी बात करेंगे यहां पर। हेडिंग डाल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी, किसी फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी। सिंपल कौन होता है डिसकॉन्टिन्यूअस, वो जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। मामला ही खत्म, अगर कोई दिया गया फंक्शन पर्टिकुलर किसी पॉइंट, एक पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस पॉइंट पर आप उसको क्या करोगे, डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी उस पॉइंट पर अगर फंक्शन का ग्राफ, अगर आप फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हो, दुनिया में हर फंक्शन का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, लेकिन अगर आप ग्राफिकली इस बात को कहो, तो अगर आप फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हो और पर्टिकुलर डोमेन के किसी पॉइंट पर आपके फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ टूटा हुआ होना और दैट पॉइंट पर डिफाइंड होना, ये दोनों अलग बातें हैं ना, ग्राफ का टूटा हुआ होना एट दैट पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइंड होना, ये दोनों अलग बातें हैं। डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, कि हो सकता है फंक्शन कौन, जो अपने डोमेन में वेल डिफाइंड हो, और आप डोमेन में ही एक पॉइंट बैठा दे रहे हो जिस पर कह रहे हो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पर, तो क्या वो आपका डोमेन हो पाया, नहीं। डोमेन तो वही हो सकता है ना जिसके हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कैसा बना रहेगा, डिफाइंड बना रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ के टूटे होने का कतई मतलब नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं, ऐसा मतलब नहीं, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड है, बस वैल्यू अलग अलग दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, हम यहां से ग्राफ खींच रहे हैं, डोमेन हम कह रहे हैं जीरो से लेकर के आठ तक का है, तो जीरो से लेकर के आठ तक अगर हम जा रहे हैं, तो मान लो ये पॉइंट कौन सा होता, दो होता, तो सोचो दो पर फंक्शन का ग्राफ टूट चुका है और दो पर वैल्यू ये है, और दो से जैसे स्लाइटली बड़े हुए तुरंत आपकी वैल्यू यहां से शुरू, सोचो दो पर अब नीचे वैल्यू है, और दो के जैसे आगे बढ़ते हो तुरंत आपकी वैल्यू कहां से शुरू होती, ऊपर से, तो ग्राफ टूट गया, लेकिन आपका फंक्शन इस पूरे डोमेन में वेल डिफाइंड बना रहा कि नहीं बना रहा, तो आप ये नहीं कहोगे कि दो पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं, दो पर आपका फंक्शन वेल डिफाइंड है, वो अपनी वैल्यू भी दे रहा है, ये हाइट दे रहा है, लेकिन दो के आगे जब पढ़ते हो ना, तो हाइट बढ़ करके अब यहां से शुरू हो जाती है, तो अब हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कैसा हो चुका है, वेल डिफाइंड। लेकिन दो पर आते ही आपका फंक्शन जो स्मूथली बढ़ रहा था, वो स्मूथली नहीं बढ़ रहा है, बल्कि फंक्शन में टूटन आ गई, या कह सकते हो फंक्शन में एक सडन चेंज आ चुका है, एग्जाम्पल के तौर पर सिग्नम फंक्शन, जानते हो कि नहीं जानते हो,
सिग्नम फंक्शन, कभी नाम सुने क्या होता है? वैल्यू बोलो सिग्नम की वैल्यू। हाँ सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अरे सिग्नम पे ग्राफ याद करो, नहीं याद है? यूं जैसे कोई तलवार पकड़ के खड़ा, यस सर याद है ना, इधर पॉजिटिव के लिए प्लस वन, नेगेटिव के लिए माइनस वन, याद है? अरे वही बोल रही है, बोल रही है वही सर, सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन ये मॉड एक्स, खुद एक्स निकलेगा अगर एक्स पॉजिटिव होगा, और यही मॉड एक्स माइनस एक्स निकलेगा अगर एक्स कैसा नेगेटिव। सोचो नेगेटिव था तो कितना आया माइनस वन, और पॉजिटिव था तो कितना आया प्लस वन आया। व्हेनेवर एक्स पॉजिटिव सिग्नम एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, व्हेनेवर एक्स नेगेटिव सिग्नम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। आप सोचो ये ग्राफ आया इस तरीके, जैसे कोई तलवार पकड़ करके दरबान खड़ा, ये ओरिजिन को छोड़ा हुआ है, ओरिजिन को छोड़ा है, ये इधर के हिस्से में पॉजिटिव प्लस वन, और जब जब एक्स को आप नेगेटिव भरोगे तो इधर जाएगा, वो कैसा हुआ माइनस वन हुआ। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, डोमेन के हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड होगा, वो अपने डोमेन में जितने पॉइंट रखा है, फंक्शन की कैटेगरी ही यही होती है, या फंक्शन का बिहेवियर यही होता है, या फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए मुझको रिक्वायरमेंट ही यही है कि अगर फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइंड हो रहा है तो डोमेन के हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए वेल डिफाइंड, यानी डोमेन के किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की केवल और केवल कितनी इमेज आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, और हर पॉइंट पर उसको क्या होना पड़ेगा डिफाइंड होना पड़ेगा। क्लियर है ये बातें? तो इसीलिए ये कहना कि फंक्शन अपने डोमेन में टूटा हुआ है ये उसको अनडिफाइंड नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा है कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर उसमें सडन चेंज आ जाएगा। सडन चेंज आने का मतलब अगर पहले वैल्यू बन रही होगी तो जैसे अगला पॉइंट दोगे वैल्यू टू या थ्री हो चुकी होगी। क्लियर है ये बात? लिखना इसमें स्टार बन करके लिखना डिसकंटिन्यूटी को किस तरीके से आप परिभाषित करोगे। सबसे पहली बात स्टार लिखना, अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ एक लाइन में कहें, एक लाइन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे। सुनो जो हवा हवाई वाली बातें होती ना, एक नोट्स में लिखने वाली बातें, नोट्स में लिखने वाली बात केवल इतनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन आपस में बराबर ना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और आपस में बराबर हो लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर ना हो, कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यही दोनों आपस में बराबर ना हो, ठीक, दोनों आपस में या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के लेकिन राइट हैंड के बराबर ना हो, ये सब नोट्स में लिखने वाली बात है। आप नॉर्मली कैसे कहोगे? नॉर्मली आप कहोगे आप किसी फंक्शन को एट दैट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहोगे अगर वो एट दैट पॉइंट पर कैसा हो कंटिन्यूअस ना हो। जो एट दैट पॉइंट कंटिन्यूअस नहीं होगा वो एट दैट पॉइंट कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस। आम जिंदगी में कहने वाली बात कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि सर आप किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, आपका डोमेन है पढ़ाना, आप अपने डोमेन में किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, हम तुमसे कहेंगे तुम हमसे पीडीएफ मांगो तुम करने के डिसकंटिन्यूअस है टूटा हुआ, दे तो देंगे डिफाइंड है बिल्कुल पीडीएफ बना लेंगे दे देंगे लेकिन यार आलस चढ़ जाता है अपनी वैल्यू में सडन चेंज आता है, यहाँ से पढ़ा जाने के बाद घर पे गिरता जैसे मुर्दा पड़ता है, सडन चेंज, ये सडन चेंज हमको उस पॉइंट पर क्या करे डिस्काउंट। लेकिन सर कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, सर जब भी आपकी क्लास होगी क्या आप भूल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं, वहां हम कैसे हैं कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पर एक जगह पर हम कंटिन्यूअस है, अगला पॉइंट आप गए तो अगले पॉइंट पर हम कैसे हो गए डिसकंटिन्यूअस हो गए क्योंकि आप सडन चेंज ले चुके हो अचानक से कोई बदलाव। सही चले, a function which is not continuous, a function f which is not continuous, a function which is not continuous at a point small a is said to be discontinuous. अगर कोई फंक्शन पार्टिकुलर किसी पॉइंट के पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर कैसा कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा।
और जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। क्लियर है? इन दिस केस या डबल स्टार करके लिख लेना, किसमें? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख दो, पॉइंट करके। इन दिस सिचुएशन स्मॉल ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ना इसको ग्राफिकल भाषा में ब्रेकेज पॉइंट कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप टूट गए, जहां पर आपका ग्राफ टूट रहा है, ब्रेकेज पॉइंट, वो आपका कौन होगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। इन दिस सिचुएशन स्मॉल ए इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तीसरी बात ऐसे ही समझते रहना, जब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो मतलब मेरा फंक्शन इसी पॉइंट पर क्या हुआ होगा? डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। ठीक, ये बात ज्यादा इसमें लैंग्वेज भरने की जरूरत। अच्छा, एक और बात ये बताना, हम रोज बोलते हैं हम एक को दिन छुट्टी नहीं करते हैं। ठीक, रोज बोलते हैं एक को दिन छुट्टी नहीं करते, और तुमको ये बात पता चल जाए कि मुझको बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाने के दौरान एक दिन सर जी छुट्टी कर दिए थे, एक दिन छुट्टी कर दी, फिर जैसे हम कहेंगे ना हम आज तक कभी छुट्टी नहीं की, तुमको एक दिन की, जैसे हम कहेंगे आज तक छुट्टी नहीं की, तुरंत कहोगे सर एक दिन किए, हम उसका बहाना मारेंगे, लेकिन तुम तुरंत क्या हो, कब नहीं किया? 1 जनवरी को हम नहीं किए, सब लोग नहीं, तुम लोग शामिल थे, हम नहीं किए ना, अपने कत्ता ही नहीं, अपने इस मामले में ना हराम है, मेरे लिए छुट्टी हराम है, कभी नहीं कर सकते हैं ना। तो मेरे घर पे पूछो ना, जो घर पे पढ़ते थे पहले बीएससी, जब हम अपने घर पे पढ़ाते थे उस वक्त बेचारे त्राहिमाम करते थे, नए साल के दिन जब सब छुट्टी किए पड़े थे, हमको पता है आज उनका फिजिक्स नहीं चलना, उनका केमिस्ट्री नहीं चलना, मैथ में बेचारे ना सुबह आते थे 8 बजे उनको बुला लेते थे, और 8 बजे के बाद वो समझा 5 बजे जाते थे, तब तक वो बैठे पढ़ते पढ़ते घूमते टहलते इधर उधर ना बेचारे थक जाते, कहते नया साल आए ही ना, वो इसी त्राहिमाम थे कि नया साल आए ही ना, सबसे अच्छा ना उनका बस चले ना, तो वो पहली जनवरी वाली तारीखें काट देते, इतना त्रस्त थे हमसे, तो हम नहीं कर सकते निकाल, हम ऐसा कहते कि हम एक को दिन छुट्टी नहीं करते, एक दिन पा जाओ, तो ये मतलब जितनी बार हम ये बात कहेंगे हम कभी छुट्टी नहीं करते, तो वैसे एक दिन का हवाला दोगे, चाहे हम पूरा दिन पढ़ाए हो, अकड़ करके पढ़ाए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम एक दिन का हवाला दोगे, एक दिन आप किए हुए थे, वो एक दिन मेरे का ब्रेकेज होगा, उस एक दिन की टूटन है, और वो टूटन एक बार दाग लग गया तो कभी जाता नहीं है। बस यही हाल फंक्शन के साथ है, फंक्शन अपने आप को कह रहा है हम पूरे के पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन अपने को कह दिया हम पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब सामने वाला बिना सोचे समझे कहेगा फंक्शन इंटरवल के अंदर में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पर फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ हो, अगर ग्राफिकली है तो, अदरवाइज एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिस पर फंक्शन आपका कैसा हुआ होगा, जिस पॉइंट, लेकिन अगर मेरे दिए गए डोमेन में या मेरे दिए गए इंटरवल में एक भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हुई तो उस इंटरवल में हम फंक्शन को कभी कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, हम उस पूरे इंटरवल में फंक्शन को हमेशा किस नाम से जानेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के नाम से। क्लियर हुआ? इसी बात को थर्ड पॉइंट बनाना। तीसरा पॉइंट बोल दे, लिख लोगे? लिखना, अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस, और ये सब रटने की जरूरत नहीं, ये सब फील है, बस खाली फील समझना है इसका। अ फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस even at a single point, a function which is discontinuous even at a single point of an interval, a function which is discontinuous even at a single point of an interval is said to be discontinuous in that interval, is said to be discontinuous in that interval. अगर आपका फंक्शन इंटरवल के एक सिंगल पॉइंट पर भी discontinuous हो गया तो उस इंटरवल में फंक्शन हमेशा क्या कहा जाएगा? Discontinuous कहा जाएगा। यह याद रखना, तुमको भले लगे बड़ी हल्की बात है, ये भारी भरकम बातें हैं,
हल्की बात नहीं है। एक आदमी के ऊपर किसी बात की तोहमत लग गई, ताउम्र उसके ऊपर उसी तोहमत को जड़ा जाता रहेगा, हमेशा जड़ा जाता रहेगा ना। परिवार वगैरह में होता है, अगर किसी की वजह से कोई घटना हो गई ना, तो जब जिक्र आएगा तुहिन रह तू कम जानी थे, तुहिन रह दिया ना, सीधे सीधे उसको बोल देगी। मतलब एक दिन अब आपकी रोज मदद करता था, रोज मदद करता था, एक दिन आपने उससे पैसे की मदद मांग दी, बेचारे के पास नहीं था, मना कर दिया, और आपकी बड़ी गाढ़ी जरूरत थी कि आपको हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना था। अब आप रार ठान लेते हो मन में और आप कहते हो जब कभी जरूरत पड़ेगी ना, कोई बात उठेगी तो आप कहोगे भैया तुहिन रह तू जाने है ना, दुनिया चाहे जो तुहर से उम्मीद ना करे, तुझसे सोच रहे कर्जा पाती लाइक व्यवस्था करवा भैया, लेकिन जाने रहे तू यस न कर। हरदम यही बात होगी, क्यों? क्योंकि आपने पूरे डोमेन में, डोमेन क्या था, डोमेन ये था कि मेरे उसके बीच में बहुत गाढ़ी दोस्ती थी, और उस डोमेन में एक जगह पर ऐसा आया जब मन में खटास आ गई, तो अब हम हमेशा जब भी जिक्र करेंगे उसे एक बात का जिक्र होगा ही होगा। कोई आदमी एक बार बेचारा फेल हो जाए, एक बार ठीक ताउन उसको रहेगा, वो कभी ये नहीं कह सकता हम अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए। आप लगातार फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हो ना, तो आप क्या कहते हो, हम ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन पास है, ऑलराउंड। और एक बार भी अगर आप सेकंड डिवीजन हो गए तो आप ये बात नहीं कह सकते, भले आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाओ, लेकिन आप इस बात को नहीं कह सकते। मतलब आपके इंटरवल में एक पॉइंट की भी डिसकंटिन्यूटी उस इंटरवल में आपको किस नाम से जानवाएगी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के नाम से जानवाएगी। क्लियर है ये बातें? लाइन चेंज करना, लिखना डबल स्टार करके लिखना, इनमें से जितनी बातें लिखा रहे इनमें से एक भी बात होल्ड कर गई तो आप अपने फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कर देना। नीचे कुछ बातें लिखा दे, तीन से चार बात लिखाएंगे, इसमें से एक भी बात होल्ड की, एक भी, तो आप बोल देना आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डबल स्टार करके लिखना, डबल स्टार करके, चाहे तो ब्लैक पेंसिल लिख लेना बोल्ड करते हुए इसको। अब फंक्शन एफ, फंक्शन एफ कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए, because of any one of the following, any one of the following reasons। नीचे जो कारण दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक कारण की वजह से आपका फंक्शन कैसा हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस, किसी भी एक कारण की वजह से। एक भी कारण होल्ड कर गया तो डिस्काउंट, और एक से ज्यादा होल्ड कर गया तो वैसे झमाझम डिस्कंटिन्यूअस। सोचो एक पर ही आप डिस्कंटिन्यूअस हो तो एक से ज्यादा पर आपको कंटिन्यूअस की संज्ञा दी जा सकती है, आप वैसे डिस्कंटिन्यूअस बन जाओगे। पहला रीजन देखना, पहला एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ इज नॉट डिफाइंड एट स्मॉल, डोमेन के ही किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हुआ, डोमेन के ही किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हुआ। जब उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा तो क्या आप अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस कर पाओगे? इनका आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तब आपको उसको बाहर करना ही पड़ेगा। एक बार दूसरा, अच्छा सोचो हम एक वर्डिंग इस्तेमाल किए, बाहर करना ही पड़ेगा, मतलब कल को मेरी तबीयत खराब हो गई तो ये एक बीमारी है और बीमारी को हटाया जा सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है? इसीलिए ना कल को एक डिसकंटिन्यूटी का टाइप आएगा जिसका नाम होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, खत्म कर सकते हो। किसी चीज को खत्म करने के लिए ना आपको अपने आप को रिडिफाइन करना पड़ता है। ये बताओ मेरी तबीयत खराब हो गई, पता चला हम आज क्लास नहीं पढ़ा सकते, अब आज क्लास नहीं पढ़ा सकते तो जाहिर सी बात है कोरोना ही हो गया, ओमिक्रॉन भैया आजकल चल ही रहे हैं, मान लो ओमिक्रॉन हो गया मुझको, अब जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन ले करके तो यहाँ पढ़ाने आएंगे नहीं कि जितना बोल रहे हैं उतना ओमिक्रॉन टहल रहा है, इतना तो नहीं हो सकता। तो हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन, हमको कहना पड़ेगा कि ठीक है आज की क्लास नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा दिन रुको ठीक हो जाए तो तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ा देंगे, तो ये पुराना वाला जितना है ये सब कवर हो जाएगा। क्या हमने अपने आप को रीडिफाइन किया कि नहीं किया? और रीडिफाइन किया तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सर जी बदल चुके हो, कोई नहीं कहता।
अगर हम कहें अब मेरी तबीयत खराब हुई मुझसे ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो आप कहोगे कहोगे सर जी अब आप बदल चुके हैं ना, कल को आप कहते पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आज आप ही अपने लिए सर्वे सर्वा हो गए, हम लोग कुछ नहीं हो गए, आप पढ़ाई को तिलांजलि दे रहे हो, ये हो गया आपने अपने आप को रिडिफाइन। सोचो जब आपका फंक्शन एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी रख रहा है और आप कर रहे हो जिस पॉइंट पर आप अपने फंक्शन को कह रहे हो कि वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता, हम उसको रिडिफाइंड कर लेंगे, तो आपने डिसकंटिन्यूटी खत्म कर दी कि नहीं, यहां से निकलो चौक की तरफ और यहीं बस अड्डे जाम लगा पड़ा हुआ है, ये आपका डोमेन है, ये पूरी सिटी आपका डोमेन है और आप निकले चौक की तरफ बस अड्डे जाम लग गया, क्या करोगे? मन महसूस के कहोगे आप घर नहीं जाएंगे, तुम्हारा घर प्रयागीपुर में, यहीं से निकलना है बस अड्डे से, कह दिए नहीं जाएंगे, तुम कहोगे हम अपने फंक्शन को रीडिफाइंड करेंगे। रीडिफाइंड करने का मतलब है तुम यही दीवानी चौराहे से कट करके उधर से निकलोगे, कहीं तो रास्ता खोजोगे, तो सोचो तुम अपने आप को रीडिफाइंड कर रहे हो कि नहीं, कि खूटा गाड़ के बैठे हो, नहीं जाएंगे तो बस अड्डे से जाएंगे, चाहे बस अड्डा कम छोड़ के जाएंगे, ये थोड़े होगा। तो यानी जब आप अपने फंक्शन को रीडिफाइंड कर रहे हो तो आप अपनी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कल को यही होगा कि जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा है ना, वहां आप अपने फंक्शन को रीडिफाइंड करो, और अगर आप अपने फंक्शन को रीडिफाइंड कर सकते हो तो वो डिसकंटिन्यूटी किस नाम से जानी जाएगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी, ऐसी टूटल जिसको आप खत्म कर चुके हो, अब आप खत्म करके फिर से वापस आ रहे हैं और हम कहे पूरी सिटी जाम हो गई है, लॉकडाउन लग गया, जाम नहीं हुई, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, तुम बस्ता टांग करके कहो हम एकदम इतना सही से टहलते टहलते घर जाएंगे, हाँ रिडिफाइंड करो ना, चार लाठी पुलिस की खाओ पहुंचो पे करेगा, इनकार थोड़े फिर तो करो, वो रिडिफाइंड नहीं है ना। रिडिफाइंड का मतलब आप इत्मीनान से अपने घर की तरफ जा सकते हो। पहली बात, फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब होगा जब डोमेन के किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड ना होगा। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर ही ना हो पाए। लिमिट x approaches to the a plus f of x, पहचाने कौन है? Left hand limit does not equal to limit right. अरे हाँ सही, right। अरे इधर खड़े ना तो अपने को left लगा। x approaches to the a minus f of x, यहाँ लिख देते हैं यहाँ। Right hand limit does not equal to left hand limit। ये भी है, ये भी है। बस बन गया है ऐसा, ना? तीसरी बात, फंक्शन की लिमिट तो आई, सोचो जब आपके तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट ही नहीं आया ना भाई। लिमिट कब आती है? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। व्हेन लेफ्ट टेंडेंसी इज इक्वल टू राइट टेंडेंसी इट मींस टेंडेंसी एग्जिस्ट, ये तो कहते आए हो। तो ये बताओ जब आप ये कह रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी आपस में बराबर नहीं है, इसकी टेंडेंसी ही आपस में बराबर नहीं है, क्या उसको आप कंटिन्यूअस की संज्ञा दे सकते हो? इनकार हो गया कि नहीं हो गया? एक होता है टेंडेंसी तो है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर नहीं है, तब भी आपका फंक्शन कैसा हो गया? दिस पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट लिख देना, थर्ड लिमिट x approaches to the a f of x does not equal to f of, तीन में से एक भी बात हो गई ना तो आप अपने फंक्शन को क्या कह देना? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? ये तो क्या तीन में से एक भी बात हो गई तो फंक्शन को तुरंत क्या कहना कि आपका फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट a। हेडिंग डाल देना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये मिटा दे पूरा, लिख रहे हैं हो गया। Types of types of this country. Heading डाल दो पहले, remove कर discard duty। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोले,
अरे नहीं ऐसे समझाने के लिए बोलने देना है, ऐसे थोड़ी एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, एक रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ये होती है, एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन जिस पॉइंट पर वो लिमिट एग्जिस्ट की है एट दैट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन कैसा कहा जाएगा, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी को लिए हुए कहा जाएगा। ऐसी तारीख में आप अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हो उस दिए गए पॉइंट ए पर अपने फंक्शन को फिर से रीडिफाइंड करते हुए एक सुटेबल वैल्यू को देते हुए। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को, लिखना इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इफ यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए एग्जिस्ट और एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, If limit x tending to a f of x exist, अगर limit exist करे, ठीक, but is not equal to, but is not equal to f of a, limit तो exist करे, लेकिन value of the function at that point के बराबर ना हो। इसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, शॉर्ट में सा, लेकिन ये जाने रखना ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये क्या पूरा लिखाएं पूरे लैंग्वेज, देन इट इज नोन एज द रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ये नहीं सिर्फ एज रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, ये होती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो आपका फंक्शन कैसे डिस्कंटिन्यूटी रखेगा, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक ऐसी डिस्कंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सकते हो, खत्म कर सकते हो इस कंडीशन में, ठीक। आगे लिखना इसी में, नोट लगा देना चाहे तो नोट लगा देना, बोले नोट बोले लिखना, अ फंक्शन एफ कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस, नोट, अ फंक्शन एफ कैन बी मेड, बनाया जा सकता है, कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस, अ फंक्शन एफ कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस, एक फंक्शन एफ को कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है बाई असाइनिंग पता नहीं स्पेलिंग चेक कर ली सही है नहीं है, AWSIGNIN अपनी अंग्रेजी पे अपने को शक है ना, अ फंक्शन एफ कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस बाई असाइनिंग सम सुटेबल वैल्यू by assigning some suitable value, इतना लिख लो, बोल दे रहे हैं some suitable value to small a, such that limit x approaches to the a f of x is equal to f of x, ये समझना, ये नीचे वाली लाइन इतना बड़ा याद करें, जो किताबी भाषा है अपनी भाषा खाली ऐसे समझना, अगर आप अपने फंक्शन को उस पॉइंट पर रीडिफाइंड कर दो तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर वापस कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अभी आपका फंक्शन x बराबर a पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर नहीं आ, इतनी ही तो बात है, तो ठीक है हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पर ही उसको फिर से डिफाइंड कर देंगे, और जब एक बार रीडिफाइंड कर देंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी, मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस। तबीयत खराब हो गई, पड़ गए बिस्तर पर, पड़ गए तो डिसकंटिन्यूअस हो गए, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अपने आप को रीडिफाइंड करें, अगर हम घर में पड़े ही रह जाए तो क्या हम ठीक हो सकते हैं, नहीं, तो हम लोग अपने आप को रीडिफाइंड करते हैं, कहते हैं एट दैट पॉइंट, मतलब जहां मेरे अंदर बीमारी आई है वहां अब हम मदद लेंगे डॉक्टर की,
डॉक्टर की मदद दिए, डॉक्टर दवा हुआ किया, हम वापस फिर से कंटिन्यूअस हो गए, वापस पढ़ाना चालू कर दिए। यही हाल फंक्शन के केस में है। अगर आपका फंक्शन, या दूसरे एग्जांपल से समझो, आप यूं जा रहे हो और आपको पता चले ना सामने कीचड़ उचड़ आ गया, दूर तक कीचड़ है, कूद के पार नहीं कर सकते, या तो कूद के पार कर जाओ, और नहीं कूद के पार कर सकते तो एक ही रास्ता है, यूं बगल से साइड काट करके निकल जाओ। तो सोचो जिस पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी, वहां पर आपने अपने आप को फिर से रिडिफाइन कर दिया कि नहीं, और आपका रास्ता रुका नहीं, आप ऑलरेडी चलते जाओ, दैट्स कॉल्ड द कंटिन्यूटी। तो आपने केवल एक काम किया, जिस पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी आ रही थी वहां पर आपने अपने फंक्शन को वापस रीडिफाइंड कर दिया, पुनः परिभाषित कर दिया, और पुनः परिभाषित करते ही आपका फंक्शन तुरंत का तुरंत कैसा हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है। क्लियर है ये बातें? ठीक, अभी जब लिखवाएंगे ना, न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में ये सारी डिस्कंटिन्यूटी की चर्चा होगी। आपको दिया गया पहचानना पड़ेगा कि दिया गया एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि पहचानिए कि आपका दिया गया फंक्शन किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी रखता है। अगर उसके पास रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है तो आप उस डिस्कंटिन्यूटी को रिमूव कीजिए, यानी फंक्शन को फिर से रिडिफाइन कीजिए। क्लियर हुआ? चलो अगली हेडिंग डालना। पहला हो गया रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, उसके बाद अच्छा एक और नोट में पहला पॉइंट लगा, नोट में एक दूसरा पॉइंट लगा। अच्छा एक चीज और कर दो, एक चीज और सुनो, ये बात समझने की। जैसे आज के फंक्शन ने ये कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए आती है, एफ ऑफ ए पर वैल्यू जो आई वो इसके बराबर नहीं आती। एफ ऑफ ए पर जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि लिमिट जो निकल करके आई, लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू द टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री आर, लेकिन पता ये चला कि एफ ऑफ टू मतलब एट दैट पॉइंट टू पर जो वैल्यू निकल करके आई वो वैल्यू 2.5 आई। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या आपका फंक्शन टू पर कंटिन्यूअस होगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे? रिडिफाइन करेंगे। हम इसको रिडिफाइन करने का मतलब हम कहेंगे देखो भैया अगर तुम 2.5 ना होकर के कितने हो जाओ 3, तो क्या अब ये दोनों बराबर हैं? अब मेरा फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। लेकिन क्या ये वही फंक्शन है जो पहले था? बदल गया। वो फंक्शन दो पर वैल्यू कितनी दे रहा था? 2.5। ये कितनी दे रहा है? 3, क्योंकि इसको हमने डिफाइन किया है। और जब आप इस पर डिफाइन कर रहे हो तो ये आप पुराना फंक्शन नहीं है, बल्कि आप भले लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो रिडिफाइंड आवर फंक्शन, लेकिन जैसे मैंने अपने फंक्शन को रिडिफाइन किया मेरा फंक्शन ही बदल गया। आया ना? तो भैया जब हमको डॉक्टर दवा दे दिए, अब तक हम बिस्तर पे पड़े करा रहे थे, हरे माई हाय भाई, अब तक हम ये कह रहे थे आप मरे कि तब मरे, लेकिन जब डॉक्टर दवा दे दिए तो हम बदल गए कि नहीं? अब भी हम क्या क्लास में आएंगे और पढ़ाते बताइए लाएंगे? अब तो बदल गए ना, तो अब हम नए फंक्शन बन चुके हैं जो ठीक ठाक है। पुराने फंक्शन में बीमारियां मेरे अंदर में घर कर रही थी, लेकिन जब हमको रिडिफाइंड किया गया वो बीमारियां मेरे घर से निकल गई, मतलब मेरे अंदर से निकल गई, तो हम रिडिफाइंड होकर के नए फंक्शन बन चुके, पुराना फंक्शन नहीं है। समझ में आई ये बातें? तो इसका मतलब अब ये जो नया वाला आया ना, ये आपका नया फंक्शन होगा, ये पुराना फंक्शन नहीं है, क्योंकि पुराना फंक्शन होता तो अभी भी उस पॉइंट पर कैसा होता? डिस्कंटीन्यूअस ही होता। क्लियर हुआ? तो इस बात से घपला गोरी ना करना, मतलब इस बात को दिमाग में मत रखना कि उसी फंक्शन को आपने बना लिया, नहीं, आपने उस फंक्शन को रिडिफाइंड किया और एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, और वो नया फंक्शन अब कैसा हो चुका है? कंटिन्यूअस हो चुका है। समझ में आई बात है? कुछ किताबें इसी के लिए ना लैंग्वेज अलग इस्तेमाल करती है, वो कहती है वी कैन मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बाई रिडिफाइनिंग अ न्यू फंक्शन। हम एक नए फंक्शन को डिफाइन करते हुए इसको क्या बना देते हैं? कंटिन्यूअस बना देते हैं, क्योंकि दिक्कत सिर्फ कितने पर थी? एट दैट पॉइंट पर दिक्कत थी, तो उसी एट दैट पॉइंट पर हमने अपने आप को पुनः परिभाषित कर दिया। लेकिन ये जो पुनः वाली वर्डिंग है ना, फिर से रिडिफाइंड करने वाली वर्डिंग, ये आपको पुराना फंक्शन ना बना करके बल्कि क्या बना चुकी है? नया फंक्शन बना चुकी है। समझ में आई बात है? अब लिखना उसी नोट में दूसरा पॉइंट बढ़ा लेना, नोट में सेकंड, ये पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट बना। अगर लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, सोचो अगर लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, हम तुमको केवल इतनी छूट दिए हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है उस पॉइंट पर फंक्शन की नई वैल्यू को अटेम्प्ट करो, लेकिन क्या तुम टेंडेंसी भी नई अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या टेंडेंसी नई? टेंडेंसी कैसे नई हो सकती है बनी? सोचो टेंडेंसी नई नहीं हो सकती। अरे कोई मुझसे कहे बीएससी कठिन है, कोई हमसे कहे बीएससी कठिन है, बीएससी पढ़ाई कर रहा है, समझो इसको, ये व्यावहारिक ज्ञान है। कोई मुझसे कह रहा है बीएससी कठिन है,
अब कोई नहीं कह रहा मुझको फील हो रहा है बीएससी कठिन है, मतलब पहला सेमेस्टर पार हो गए, दूसरा सेमेस्टर मुझको मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया, इधर से पढ़ रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है, टेंडेंसी है बदल दो, एमएससी से बीएससी आएगी, हो सकता है, पॉसिबल नहीं, आप टेंडेंसी नहीं बदल सकते हो। तो इसका मतलब एट दैट पॉइंट जैसे मुझको एक पेपर कठिन लगा, एक पेपर सोचो बीएससी के दौरान, बीएससी थर्ड ईयर तक पहुंचते हो, तीन पेपर फर्स्ट ईयर, तीन पेपर सेकंड ईयर और चार पेपर थर्ड ईयर, कितने पेपर आए, 10 पेपर आए, 10 पेपर में मुझको एक पेपर टफ लगा, मान लो मुझको अलजेब्रा कठिन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैथ में पास होने के लिए मुझको केवल 33% की दरकार है, बस केवल 33% की, हम दो पेपर, हम अपने टाइम की बात बताते हैं, तुम्हारा सेमेस्टर हो चुका है, तुम अपने टाइम में सोचना भी मत ही सब ना, अपने बता रहे मैथ में पास होने के लिए 33% चाहिए, मेरे पास पहला पेपर फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा है, दूसरा पेपर 3D 2D और वेक्टर है, ठीक, ये मिला करके, और तीसरा पेपर मेरे पास कैलकुलस है, हम हॉप करके दो पेपर में मेहनत करते हैं, 33% के ऊपर निकल जाते हैं, ये जो पेपर बचा ना, हम इस पर डिफाइंड नहीं हो पाए, कौन सा थर्ड पेपर हमको 0/0 मिला, अनइंडिटरमिनेट मिल गया, 0/100 या जितने का पेपर आ, हमको 0 नंबर मिला, सोचो एक पर हम डिफाइंड नहीं हो पाए हैं, उसके बावजूद हम 33% पा गए कि नहीं, क्या कोई हमको फेल कह सकता है, नहीं, हम वहां पर पास हैं, वहां हम पास हैं, तो इसका मतलब अब हम कंटिन्यूअस, हम डिसकंटिन्यूअस नहीं हुए हैं, तो ऐसी तारीख में बातें सही है, मेरी टेंडेंसी नहीं बदली, लेकिन हम कहें मुझको पूरा सेकंड ईयर कठिन लगता है, हमको सेकंड ईयर मत कराओ, हमको फर्स्ट ईयर करा दो, फर्स्ट ईयर कराने के बाद दूसरे से हमको एमएससी करवा दो, एमएससी फाइनल ईयर, फिर एमएससी प्रीवियस, फिर बीएससी थर्ड ईयर, अब तब हम आएंगे सेकंड ईयर, टेंडेंसी नहीं बदल सकते हो, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वो बदल सकते हो, तो ये याद रखना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जब भी आएगी, आप फंक्शन की वैल्यू को एट दैट पॉइंट पर रिडिफाइंड करो, टेंडेंसी रिडिफाइंड नहीं करोगे, समझ में आई बात है, इसी बात को नोट लिखना, लिखना इफ इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, हम लिख दे रहे हैं, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू द ए एफ ऑफ एक्स, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपकी लिमिट ये नहीं एग्जिस्ट कराए, डज नॉट एग्जिस्ट देन द फंक्शन कैन नॉट बी मेड, क्या हुआ छूट गया क्या, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट देन द फंक्शन कैन नॉट बी मेड, तब आप अपने फंक्शन को नहीं बना सकते हो, देन द फंक्शन कैन नॉट बी मेड कॉन्टिन्यूस, जिस आदमी में पढ़ने की टेंडेंसी ही नहीं है, टीचर चाहे कर भी उसको कंटिन्यूअस नहीं बना सकता है, रियलिटी, लेकिन टेंडेंसी है, पढ़ना चाहते हो, कह रहे हो सर जी यही बीटा गामा फंक्शन बड़ा कठिन लगता है, छोड़ दो तुमको हम रीडिफाइंड कर देंगे, बीटा गामा फंक्शन छोड़ दो, बाकी तुमको अच्छे से झमाझम पढ़ा देंगे, अब तो पास हो जाओगे ना, अब तो कंडीशन बनी, लेकिन सोचो तुम्हारी टेंडेंसी नहीं, हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं, तुम कहते हैं सर जी चलिए आज क्रिकेट खेल लेते हैं, टेंडेंसी अलग, हम कह रहे हैं चलो पढ़ते हैं, तुम कह रहे हो अरे सर जी एक बार आप आउट हो जाइए, बोल्ड हो जाइए, फिर हम कह रहे हैं नहीं चलो ठीक है बोल्ड भी हो गए, तुम अपनी टेंडेंसी बदल करके नहीं सीख सकते हो, तो इसका मतलब कम से कम तुमको टेंडेंसी तो रखनी पड़ेगी, इसीलिए कहा जाता है अगर आप अपने फंक्शन को कहना चाहते हो कि मेरा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है, तो तय बात है आपके फंक्शन की लिमिट को तो एग्जिस्ट होना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट पर बराबर नहीं है, हम उसी को बदलते हैं, हम उसी को ही बदलते, काम खत्म, लड़कों का क्या हाल होता है, टीचर का समझ नहीं आता कुछ ही बदल, वो तुम्हारी अपनी वैल्यू है, बीएससी थोड़े छोड़ दोगे, मेरा पढ़ाई नहीं समझ आया बीएससी छोड़ देंगे, नहीं किसी और टीचर को पकड़ दो, टेंडेंसी नहीं बदली, क्या बदला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट बदल दिया, लिखना कितना लिखे हो, कितना लिखो वापस बोला भूल गए, इफ लिमिट ऑफ द एफ डज नॉट एग्जिस्ट देन द फंक्शन कैन नॉट बी मेड कंटीन्यूअस, no matter how we defined f of a, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अपने फंक्शन को एट दैट पॉइंट पर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं कहा जा सकता, मतलब कंटिन्यूटी होने के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना, सोचो कंटिन्यूटी होने के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना नेसेसरी है, नेसेसरी, जिस फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट डिफरेंट आ गई, हम रिडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट ही नहीं आई तो चाहे कर भी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, बात बैठी दिमाग में, इतनी बार दोहराए हैं यार कुछ तो बैठी गई, तो 4% तो बैठी ना,
इसीलिए हम 20 बार एक के बाद रटते हैं कि मतलब याद आए हाँ यही पगलाए पड़े थे, 4 बार दोहराए थे, 10 बार दोहराए थे। इसीलिए घड़ी डालना। दूसरा डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट कारण, सेकंड डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट कारण, फर्स्ट कारण। इसी फर्स्ट कारण को ना कुछ किताबें जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहती हैं, कूदती हुई डिस्कंटिन्यूटी, जंप डिस्कंटिन्यूटी। जंप डिस्कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, सोचो लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी पिछले बार, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इसके बराबर नहीं आया, तो आप कहे कि एक काम करते हैं एट दैट पॉइंट फंक्शन को रिडिफाइन कर लेंगे, और रिमूव कर दिया फंक्शन को, आपने नया फंक्शन बना लिया, वो कैसा था कंटीन्यूअस। अभी वर्डिंग क्या इस्तेमाल किया, फर्स्ट काइंड, या इसी को कहें जंप डिस्कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, राइट हैंड लिमिट आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट आए, राइट हैंड लिमिट आए, और दोनों जंप कर जाए, बराबर ही ना, दोनों बराबर ही ना, तो आप अपने को क्या कहोगे, जंप डिस्कंटिन्यूटी रखता हुआ फंक्शन। क्लियर हुआ, जंप अब नहीं हो सकता, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये रिमूवेबल नहीं है, रिमूवेबल खाली कौन था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट को रिडिफाइन करने वाला, बाकी और नहीं। इसमें क्या लिमिट आई, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या लिमिट आ रही है, अब जिसकी लिमिट ही नहीं आ रही, जिसकी टेंडेंसी नहीं आ रही कि आप उसको चाहे कभी कंटिन्यूअस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लिखना लैंग्वेज, लैंग्वेज बोल रहे हैं, फटाफट लिख लो, बोल रहे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, क्या हुआ छोटा साक्षी, क्या कहां करो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, then f is said to have, then f is said to have discontinuity of first kind, then f is said to have, then f is said to have a discontinuity of, then f is said to have a discontinuity of first kind at small a, और ए लिख करके ना ऐसे कामा ऊपर लगा देना, इंवर्टेड कामा, नहीं तो कोई उसी के साथ पढ़ देनी, ए लगा हुआ कोई इनवर्ट टाइप है। अभी जाने रहना, इसी फर्स्ट काइंड वाले को ही क्या कहते हैं, जंप डिस्कंटिन्यूटी। अब और प्रभाव में खाली लाइन बढ़ी, ठीक है, तो चाहे कहो फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी, चाहे कहो जंप डिस्कंटिन्यूटी, दोनों बातें बराबर, ठीक। अब इसमें दो बातें होती, एक होता है फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, समझ लो नाम से ही काफी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली बात करने वाले हैं, ठीक। तो इसी में स्टार वन लिखो, इसी में, इसी के अंदर स्टार वन, स्टार लिखना, एफ इज सेड टू हैव, F is said to have a discontinuity of ये चलाएं कि हम इसको भूल गए, अच्छा या if F is said to have, sorry, F is said to have a discontinuity of first kind from the left, from the left at A, if yet limit x tending to A minus f of x, yeah, left hand limit, like the short, if
लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एग्जिस्ट बट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए बट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर ना हो तो आप फर्स्ट काइंड में लेफ्ट डिसकंटिन्यूअस कहे जाओगे. क्लियर हुआ? तो अब दूसरा वाला पता है राइट वाले में क्या होगा इसी में लिख देना एंड फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम राइट इफ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट does not equal to f of left hand limit exist करे f of a के बराबर ना हो first kind में left discontinuous और यही हाल right hand के साथ. second kind अब की बार heading डालना ना discontinuity of second kind. third तीसरा discontinuity of second kind discontinuity of second kind bahut simple seedha sa nash left hand limit at a and right hand limit at a both does not exist both does not exist point x is equal to a पर आप second kind के discontinuous कह जाओगे अगर x tending to a पर ना तो left hand limit exist करे ना तो right hand limit दोनों ही ना exist करे. ऐसे शॉर्ट में लिख दो पूरा लिखना चाहोगे तो पूरा ये होगा पूरा बोले पूरा पूरा ये होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट देन एफ इज सेड टू हैव अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड एट ए. कौन सा ये वाला हम जाने से मतलब छोटे छोटा मतलब खाने से अच्छा फुल्की खाने जाओगे वो बड़काई वाली मिलनी चाहिए उसमें नहीं मिलता. चॉकलेट भी देखो ना बड़ी बात कुछ भी हो ना समोसा भी देखोगे तो वो भी उसमें बाकी नहीं है ये तुम लोग भी हाँ बाकी नहीं है कहीं से और लिखने में कितना छोटा छोटा लिख दो. अरे तुम्हारा बस चले ना कंटिन्यूटी सी लिख के कंटिन्यूटी सीडीएस लिखते हैं सीडीएस इसका कंटिन्यूटी सीडीएस सीटीएस अरे आदत वहां से पड़ी वहां से जान ले वहां से नहीं सर वहां से बहुत शॉर्ट में लिखते हैं. अच्छा अपने शॉर्ट में बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखते जानबूझकर नहीं लिखते ना अपने ट्रेडिशनल टेस्ट मैच खेलने वाले ना वनडे और टी20 वाले नहीं पता है एनालिसिस में ना आपको टेस्ट मैच का खिलाड़ी होना चाहिए. एनालिसिस में आप मध्यम 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 धीमे धीमे चलो. एनालिसिस में वो टिप्स एकेडमी में दुबे सर पढ़ाते हैं ना सीधे सीधे कहते हैं एनालिसिस का आदमी वो आदमी होता है ना बैठ करके एक काम को घूर रहा है घूर रहा है घूर रहा है एक नहीं 100 बार घूरो तुमको 100 नई बातें पता चलेंगी. और होता है ना अगर आप किसी थ्योरम को कुरेद रहे हो ना तो आपको उस थ्योरम से एक एक सब रिजल्ट बाय रिजल्ट मिलते चले जाते हैं वो आपको और मैच्योर करते हैं यही एनालिसिस की डिग्री. और हड़बड़ी वाले वो अप्लाइड वाले धड़ाधड़ 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 अप्लाई करते वो अप्लाइड पोर्शन है एनालिसिस. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट ठीक है. अगर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब की बात है पिछवा एग्जिस्ट करा रहे हैं अब की क्या करा रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट करा रहे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन क्या कहा जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट. राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट. लिख देना शॉर्ट में बोले स्टार बन करके लिखना स्टार बन
बोला जाए इफ इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट एग्जिस्ट देन या इंप्लाइज दैट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट और जस्ट ऐसे ही राइट वाला लिख कर उसी के नीचे लिख सकते इफ राइट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड फ्रॉम राइट यही लिख डाल दो कितने टाइप हुए तीन हुए पहला कौन सा रिमूवेबल दूसरा कौन सा फर्स्ट काइंड तीसरा कौन सा सेकेंड सेकेंड काइंड में याद रखना सेकेंड काइंड दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही सेकेंड काइंड में दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप सेकेंड काइंड ठीक रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आ रहा है बस बराबर नहीं आ रही तो आप किस में आ रहे हो ना भाग गए एक के बाद आपकी बार ना अगली हेडिंग पड़ेगी चौथी बार पहले लिख लो नाम से लिख लो तब गरम पानी ये तो हमको पता है पार्टी इस भरे पार्टी की आपका हुआ ना चेकिंग करना पड़ेगा उंगली गिरा करके देखो हमको तो सब ठीक लगता है कई लोग गर्म मतलब एकदम गर्म है पीते हैं खोला खाओ तब खाने बता बेचारे जन्म से ही तरीके क्या दुश्मनी है ना कि उसको गटाइयां मार देना चाहते हैं बोले बोला जाए चौथा नंबर लिखना चौथा मिलावटी डिस्कंटिन्यूटी अरे डिस्कंटिन्यूटी ऐसे हमारे एक लड़की श्रद्धा पढ़ने आती है सीएसआई रोड तो वो कहीं उसको सब सलाह दिए ना कुछ लेक्चर चल लेना है उसको तो उसको सलाह दिए कि 1 TB की हार्ड डिस्क ले लो कहे सर जी हार्ड डिस्क क्या होती है हम क्या इसे चिब्भा जैसे होती है कहे सर जी क्या कहीं मांगे चिब्भा दे दीजिए हम इसको वैसे बताए हम क्या चिब्भा जैसे थी चिब्भा जानते तुम लोग नहीं जानते चिब्भी खेले हो चिब्भी खेले हो ना हाँ वो चिब्भी छोटा सा रूप होता है उसको बड़ा से करो थोड़ा तो छोटी कर दो इतनी बड़ी कर दो ना हार्ड डिस्क ऐसे लेकर के कहीं डायरी की तरह लिए रहो लगा लो मोबाइल में अपना देखते रहो अगर मोबाइल सपोर्ट करे तो चिप्पी भी नहीं जानती ऐसे ऐसी ऐसी चीजें पूछोगे ना वीडियो में पता चलेगा चलो मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी सुनो इसका नाम काफी ना मिलावट मिलावट क्या होती है कि हम कहें कि कोई सामान दिया गया उसमें मिलावट कर दी गई यही मिलावट होती है और क्या होती है मिलावट तो सिंपल आपके पास क्या लिमिट है दो एक कौन सी है लेफ्ट हैंड एक कौन सी है राइट हैंड एक कहे हम आएंगे दूसरी कहे हम नहीं आएंगे मिलावटी बातें हो रही हैं कि नहीं आ रही या तो दोनों लिमिट आ जाए और या फिर एक लिमिट कह रही है हम आएंगे दूसरी कह रही है हम नहीं आएंगे इसी बात को मिलावट डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं मतलब मिक्स डिस्कंटिन्यूटी लिखना एफ हैज लिखो एफ हैज अ मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी एफ हैज अ मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी एफ A mixed discontinuity, मेरा दिया गया function, एक mixed type की discontinuity रखता हुआ कहा जाएगा at small a, f has a mixed discontinuity at small a. if either पहली बात either के बाद first point लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे LHL डज नॉट एग्जिस्ट LHL डज नॉट एग्जिस्ट भाई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड
RHL exist. क्या हुआ? इसको देख रहे हो क्या? Left hand limit. LHL does not exist and RHL exist. And RHL exist. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे हिम्मत लिखना. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका RHL आया है वो FFA के बराबर है या नहीं. इसलिए उसका जिक्र भी नहीं कर. जिससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका जिक्र करने की क्या हमको कोई जरूरत है? नहीं. अगर मुझको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम अपनी बातों में उसको जबरदस्ती शामिल क्यों करें? अगर मुझको कोरोना के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम अपनी पढ़ाई के दौरान कोरोना का जिक्र क्यों करें? लेकिन मुझको फर्क पड़ता है इसलिए हम जिक्र करते हैं. तुम आ गए ओमिक्रॉन भैया तो स्वागत है तुम्हारा ना. तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? राक्षस राज. तो इसीलिए जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी चर्चा नहीं है. अदरवाइज आगे जानते हो क्या लिखा जाता? व्हाट इट डज नॉट मैटर राइट हैंड लिमिट may or may not equal to value of the function at that point. इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता. तो हम केवल इतना लिख करके छोड़ दे रहे हैं. ठीक है, इतना ही लिख करके. क्या लिखा गया बोलो? LHL does not exist and RHL exists. ठीक. और अथवा सेकंड पॉइंट और करके सेकंड पॉइंट और सेकंड पॉइंट RHL does not exist but LHL exists. RHL does not exist but LHL exists. अब ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. हो जाए तब भी अच्छी बात है, नहीं हो तब भी अच्छी बात है. क्योंकि हमको तो तुम डिसकंटिन्यूअस कर ही गए, अब मतलब क्या बैठता है? उसको मिटा दें. अगली हेडिंग है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट डिस्कंट अपना नाम ही जा रहा है इसका. इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी पांचवा टाइप. ये पांच टाइप है बेसिकली. बोले पता है चाहे लेफ्ट हैंड एलिमेंट और चाहे राइट हैंड, दो में से कोई भी एक इन्फिनिटी हो जाए. चाहे तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट और चाहे तो राइट हैंड एलिमेंट, दो में से कोई भी कितना हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए. तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन कैसे डिस्कंटिन्यूटी रखता है? इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है. ठीक. और जिस पॉइंट पर रख रहा है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कहा जाएगा. क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 1/x का ग्राफ खींचे, ये 1/x ठीक है. 1/x का ग्राफ जब आप खींचोगे ना तो इस तरीके से आएगा. आप सोचो ना, जीरो पर आते आते सोचो एक्स से बड़ा किसकी तरफ? जीरो. अब जीरो से आते आते आप भाग गए किधर? इंफिनिटी. तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द जीरो. अब सोचो चाहे आप लेफ्ट से आओगे तब भी आप किधर भाग रहे? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी. और जब आप पॉजिटिव दुनिया से आ रहे हो तब भी कहां भाग रहे? प्लस इंफिनिटी. भाग रहे इंफिनिटी. इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा कहा जाएगा? इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता हुआ. किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कहा जाएगा. समझ में आएगा? लिखना इसी बात को डेफिनेशन में. बोले f is set to है, अरे 1/x है, 1/x ये ग्राफ जो है ये 1/x है. और जो वो होता है मॉड में, मॉड 1/ मॉड वो ना रेजोनेंस कोचिंग जाने है. तो रेजोनेंस कोचिंग कोटा फैकल्टी उसका लोगो, रेजोनेंस फैक्ट्री का वो रेजोनेंस कोचिंग का लोगो. रेजोनेंस फैक्ट्री का लोगो क्या फैक्ट्री का कोचिंग का लोगो है. उनका कभी गाइड देखना जो बुकलेट वगैरह देता है उस पैसे बनाए रेजोनेंस. और जानते हैं इसका मतलब क्या? पॉजिटिव से भी आप नेगेटिव से आओगे तब भी आप कहां भेज देंगे? तब भी आपको इंफिनिटी भेज देंगे, मतलब आईआईटी की तरफ भेज देंगे आपको. ऐसा है इसका. लिखना. बोले अरे बोले लिखो. f इज सेट टू है ff फंक्शन है. अरे लिखो लिखो ये भाई लिखो. f इज सेट टू है f इज said to have an infinite discontinuity. F is said to have an infinite discontinuity. एक बार ये नाम और सुने मुझे बताए कहां कि तुम ही याद दिला दो कहां. Point of infinite discontinuity कहां सुने हो? कहां पर? अरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जहां पर कंपैरिजन इंटीग्रल लगा रहे थे वहां पर कहे थे 1/x - a, 1/x - a, comparison integral, whole power n, और वहाँ पर हमने point of infinite discontinuity चर्चा की शुरुआत में.
लिखना है कितना लिखे हो गोल वापस टू हैव एन इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड या तो दोनों चली जाए और या तो कोई एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी जाना है डजंट मैटर पॉजिटिव दुनिया में भाग रही हो नेगेटिव लेकिन एक कोई उसमें से क्या हो जाए इंफिनिटी हो जाए प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी फुल स्टॉप लाइन चेंज करना बोले देखो इफ इफ आवर फंक्शन एफ इफ आवर फंक्शन एफ हैज अ इफ आवर फंक्शन एफ हैज अ has a discontinuity if our function f has a discontinuity at small a if our function f has a discontinuity at small a and is unbounded In every neighborhood of A, NBD लिख देना. In every neighborhood of A, लिखो बता रहे हैं, फिगर से समझाते हैं. लिखा गया है, if our function f has a discontinuity at the point small a and is unbounded in every neighborhood of small a, then this point A, this point A is called point of infinite discontinuity. This point A is called point of infinite discontinuity. Point of infinite discontinuity. ये बताओ, जरा इस फिगर की तरफ देखो. ये वाला पॉइंट कौन है? ये वाला. जीरो है? जीरो है? अब बताओ, जब मेरा फंक्शन x अप्रोच करता है किसकी तरफ? जीरो की तरफ. तो किधर भाग जाता है? माइनस इंफिनिटी. कहां से? लेफ्ट से. और जब राइट से आते हैं तो कहां भाग जाते हैं? इंफिनिटी भाग रहे हैं. तो इसका मतलब जीरो के जस्ट नाइबरहुड में, जीरो के जस्ट नाइबरहुड में मेरा फंक्शन क्या अनबाउंडेड है कि नहीं? अनबाउंडेड का मतलब आप अपने फंक्शन को बांध नहीं पा रहे. मेरा फंक्शन जीरो पर कौन सी वैल्यू की तरफ भाग रहा है? इंफिनिटी. तो जीरो का नाइबरहुड में बहुत छोटा सा एप्सिलॉन रेडियस का नाइबर. कोई मुझसे पूछे बताओ जीरो के जस्ट बगल में, जीरो के जस्ट बगल में फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो किस नंबर से छोटी होगी? मेरा जवाब किसी से छोटी नहीं होगी. वो कैसा है? अनबाउंडेड. अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो माइनस इंफिनिटी, अनबाउंडेड, कोई इसको रोक नहीं पा रहा. राइट से देख रहे हो तो प्लस इंफिनिटी, फिर कैसा हो गया? अनबाउंडेड. तो कहते ना, अगर आपका फंक्शन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट स्मॉल ए पर, ये जीरो पर कैसा हो चुका है? कैसा? पॉइंट ऑफ अनबाउंडेड हो गया. ठीक, अनबाउंडेड. और इसके नाइबरहुड में कैसा रह गया? अनबाउंडेड हो गया. तो ये पॉइंट उसके लिए कैसा पॉइंट हुआ? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट हुआ. क्लियर हुआ? अरे जिस शब्द में ये शामिल है, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, जिस शब्द में ये बात शामिल है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, इसका मतलब है वहां पर आप जैसे खड़े होने की कोशिश किए वैल्यू कहां फेंका? इंफिनिटी. और आपकी वैल्यू अगर इंफिनिटी जा रही है तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? आप कैसे हो चुके हो? अनबाउंडेड. और अगर कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट पर अनबाउंडेड हो रही ना, तो पक्की बात है नाइबरहुड में अनबाउंडेड हो रही. तब एक दिन में थोड़े इंफिनिटी पहुंच जाओगे, एक दिन में. अच्छा, ये सब ग्रोथ करते हो, धीमे धीमे करते हो कि अचानक सट से ग्रोथ है करती? पैदा होने के बाद लड़का धीरे 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 बड़ा होता है कि एक बार में पैदा हुआ, अगले दिन जैसे घर वाले देखे तैसे वो अमिताभ बच्चन मूवी में, अमिताभ बच्चन रेलवे के पटरी किनारे दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते. ऐसा अपने लोग नहीं हो सकते ना. नहीं, वास्तविकता में कुछ चीजें मूवी में ही शामिल, वहां पर ही पॉसिबल है ना. एक निरुपमा राय है, नहीं थी ऐसी मम्मी थी, बेटा जरूर खुआ देती थी ना, वो खुआ देती थी और बाद में उनको पालना पोसना नहीं पड़ता, बड़ा बेटा मिलता सीधे ना. बिगेस्ट थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी.
अगर आपका कॉम्बिनेशन था ना, फिर आपका कॉम्बिनेशन होने वाला बेटा हर बार बड़ा होके अमिताभ बच्चन ही बनता और कोई नहीं बनता। अब भैया थ्योरी मेरे हिसाब से इस चैप्टर में अभी पहली एक्सरसाइज में थ्योरी खत्म हो, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ रहे हैं और अब न्यूमेरिकल लगाएंगे और जम के लगाएंगे ना। चलो पहले एप्सिलॉन डेल्टा की बात कर लेते हैं ना, कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाएं एप्सिलॉन डेल्टा पहले लगाएं, अच्छा अच्छा में एप्सिलॉन डेल्टा भी आता है। चलो प्रॉब्लम नहीं, ये जरूरी है, चार पांच नंबर में एप्सिलॉन डेल्टा का न्यूमेरिकल दे दिया ना तो फिर पता चलता है दिक्कत चालू हो चुकी है। प्रॉब्लम लिखना, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। दूसरी बात, दूसरे में फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये तब है जब इफ x डज नॉट इक्वल टू 2 और 4 इफ x इज इक्वल टू 2 इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तीसरा थर्ड कोरोना की थर्ड एफ एक्स is equal to x cube minus 1 upon x minus x square minus if x does not equal to 1 and 3 by 2 if x is equal to 1, if x is equal to 1 is continuous at x is equal to 1। तीन न्यूमेरिकल है ठीक है, दो हम करेंगे एक तुम करोगे, सुनो ये तीन न्यूमेरिकल दिए गए, पहले न्यूमेरिकल में आपको फंक्शन डिफाइंड है 3x प्लस 1 और कह रहा है आप दिखाइए ये दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा फंक्शन दिया गया है तो टूटा फंक्शन है, कह रहे जब x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 होगा और x बराबर 2 होने पर 4 हो जाएगा। आप दिखाइए ये भी फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा x इज इक्वल टू 1 पर ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब तीनों को ही एप्सिलॉन डेल्टा से दिखाना है और याद करो एप्सिलॉन डेल्टा हम लोग कहते हैं f of x minus f of a का mod less than epsilon whenever mod of x minus a greater than 0 less than delta। अगर आपके द्वारा चुने गए इस कंडीशन में ये जो आपने लिखा mod of f of x minus f of a less than epsilon for every या whenever mod x minus a greater than 0 less than epsilon sorry less than delta, इसमें आपके द्वारा चुने गए हर epsilon के लिए अगर आपको delta मिल जाए तो आपके तो आपका function कैसा होगा, at that point continuous होगा, यही तो कहते आए हो। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, पहला फंक्शन तौर पर पहला फंक्शन 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 ना, क्या fx की जगह पर y करो, y बराबर mx प्लस c है कि नहीं है, और y बराबर mx प्लस c क्या होता है, लाइन, अब वो लाइन कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो एप्सिलॉन डेल्टा इसीलिए कह दिया, वो जान रहा है तुम लोग डर पूरा खाती है, एप्सिलॉन डेल्टा करवाएगा ना कहे होते तो हम तो लिख के पार कर जाते, आप लाइन की बात करके हमसे कंटिन्यूअस पूछ करके बहुत अन्याय कर रहे हो रमेश बाबू। पहला देखो शुरुआत करें, ये बताओ फंक्शन को देखो और किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात मांग रहा है,
x बराबर 2 पर। सुनो कंटिन्यूटी के लिए ना सबसे पहले एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू चाहिए। बोलो f ऑफ 2 पर आपकी वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ 2 पर 7 कितना? 7 चलो शुरुआत करते हैं इसे। सबसे पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन दिया है fx is equal to कितना? 3x plus 1 लिखना। x is equal to 2, f of 2 is equal to 3 into 2 plus 1 is equal to, अरे पूरा लिख लेना है, कई लोग कहेंगे सात कहां से आते हैं, बाद में भूल जाएंगे, टेंशन में पड़ रहे हैं इसको एक समय। चलो मान लेते हैं कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अपने को दिया गया है, मान लेते हैं, दुनिया मानने पे तुली पड़ी है, हम भी मान लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन। अब मुझको बस एक बात करिए, जब जब आप मुझको एप्सिलॉन दोगे तब तक हम डेल्टा पाएंगे पाएंगे, बस इतना ही कहना और कुछ नहीं कहना। तुम एप्सिलॉन का टिकोरा थमाओगे मैं डेल्टा बना लूंगा, सिंपल सी बात है ठीक। और जैसे टिकोरा इसलिए कि ना एप्सिलॉन बहुत छोटा है, टिकोरा कौन होता है? आम की छोटा हिस्सा, इसको टिकोरा बोलते हैं। चलो गिवन नाउ मॉडल फील, लो फील, पढ़ तो कंटिन्यूटी रहे हैं लेकिन गांव की सौंधी मिट्टी की महक भी बढ़ रही है। माइनस एफ ऑफ ए लेस देन कितना? एप्सिलॉन। अब सुनो गौर करना, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ इधर 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 फंक्शन कौन है? एफ एक्स एज इज, अभी कौन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मतलब कौन? एफ ऑफ ए बराबर 2 है ना, यहां से बना रहे हैं, बाद में कहेंगे डेल्टा का आप क्या चुनो कि आपका काम बन जाएगा, बाद में कहेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ fx माइनस f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब fx बोलो कितना है? 3x प्लस 1 माइनस कितना? 7। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 6। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? इधर मेरी तरफ बने रहो, बाद में लिखना। क्या हम पूरे में से 3 को कॉमन कर सकते हैं? Yes. 3 को कॉमन किया तो लिखा गया मॉड ऑफ 3 into x minus 2, क्या यही लिखा गया है? और मुझको पता है मॉड ऑफ x into y is equal to mod x into mod y, यानी this is equal to mod 3 into mod x minus 2, देख सकते हैं कि नहीं? अच्छा बहुत लंबा है, इधर this implies that mod of fx minus f of 2 is equal to 3 into mod x minus, सही है गलत? पहले इतना तुम लोग लिखते फिर समझाते, पहले इतना लिखते इतना से इतना लिख रहा, इसके बारे में अभी कुछ सोचो मत, अभी बता दो फिर अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा। लिखते रहना और ऐसे मेरी लाइन सुनते रहना। मारा fx minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a greater than 0 less than delta, यही होता था कि जब जब आप इनको epsilon से छोटा करना चाहोगे, किसको? mod of fx minus f of a को, ये f of a ही तो है, जब जब आप इनको epsilon से छोटा करना चाहोगे तब तब आपको एक delta चाहिए जो आपको कह सके कि mod of x minus a less than कितना होगा delta। x minus a में a कौन सा पॉइंट है जहां continuity चेक करी जा रही है? भाई तो x माइनस ए, मेरे पास कंटिन्यूटी कहां चेक हो रही है? 2 पर। तो ये बताओ क्या ये मॉड ऑफ x माइनस ए है कि नहीं है? और सोचो अपने को एप्सिलॉन मिल चुका है, इनको इनको लेस देन एप्सिलॉन करना है, मतलब इनको क्या कर दो? एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा कर दो। दिक्कत सुनो सुनो इधर इधर देखना, दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, ये पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगी व्हेनेवर जब कभी व्हेनेवर mod of x minus 2 less than epsilon by 3, less than epsilon by 3। अब ये बताओ क्या यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक क्या ये नहीं लिखा गया है? ध्यान से सुनना, mod of f of x minus f of a less than epsilon
व्हेनेवर नहीं अरे रुको ये कितना लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अरे मैं स्पेलिंग भूल गया व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा बोलो क्या ये लाइन डिफिनेशन है कंटिन्यूटी की नहीं अगर आपके द्वारा चुने गए एप्सिलॉन के लिए आपको हर बार डेल्टा मिल रहा है हर बार आपके द्वारा चुने गए एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल रहा है तो इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन आपने क्या लिखा है फॉर ऑल एप्सिलॉन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा तो आपका फंक्शन एट दैट पॉइंट ए पर कैसा रहा कॉन्टिन्यूस यही तो है लेकिन तब जब गारंटी हर एप्सिलॉन के लिए कौन मिलेगा डेल्टा आप ये बताओ जरा कंपेयर करो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए यही लिखा गया है कि नहीं लेस देन एप्सिलॉन इसको गायब करो लेस देन कितना एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन नहीं थी जरा एप्सिलॉन बराबर 1/2 लो एप्सिलॉन बराबर 1/2 डेल्टा क्या मिला 1/6 मिला कि नहीं मिला एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 लो डेल्टा क्या मिला मिला कि नहीं मिला एप्सिलॉन इज इक्वल टू के लो डेल्टा क्या मिला जो मर्जी के का मान लो हर बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंडीशन वेरीफाई है इसका मतलब आपके द्वारा चुने गए हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक बार डेल्टा मिल रहा है बस आपको एक काम करना है डेल्टा बराबर क्या सेट कर देना है एप्सिलॉन बाय 3 क्लियर हुआ इसका मतलब हाँ ये डिफिनेशन वेरीफाई हो रही है हर चुने गए एप्सिलॉन के लिए मुझको डेल्टा की अवेलेबिलिटी है तो मेरा दिया गया फंक्शन एट दैट पॉइंट 2 पर कैसा रहा हो गया एप्सिलॉन डेल्टा यही तो है लिखा जाए समझ में आई सबको बातें कंपेयर में लिखना चाहते हो ऐसे मेरी तरह लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कंपेयरिंग में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे मेरी तरह लिख सकते हो बोले कौन सा नहीं ये लिखा है कि नहीं ये बताओ लिखा है पूरा आप डिक्टो जस्ट नीचे नीचे करते करते ऐसे कंपेयर में क्या तो ये पता इसके नीचे क्या लिखा है ये और एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है ये व्हेनेवर देखो ए बराबर कितना टू और डेल्टा बराबर कितना एप्सिलॉन है ये कंपैरिजन तुमको ये बताएगा ना कि हाँ मैंने डिफिनेशन ही लिखी है कुछ और नहीं लिखा हुआ है डिफिनेशन ही लिखी गई इसीलिए कहते हैं ना दिए गए एप्सिलॉन से शुरुआत करो डेल्टा अपने आप बनना होगा तो बन जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं डेल्टा के लिए बोले अच्छा रुके हम लोग इम्तिहान पढ़ते थे एग्जाम होता था ना दो दिन बाद एग्जाम होता था दो दिन बाद एग्जाम है जेल सर की क्लास चलती रहती थी दो दिन एग्जाम बचा रहता था क्लास चलती रहती थी और उधर आई कार्ड ले रहे हैं इधर ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में उधर आई कार्ड ले रहे हैं इधर मीटर के स्पेस में कंप्लीटनेस कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं नीचे से आई कार्ड हाँ आई कार्ड नीचे से आई कार्ड लेकर के ऊपर आते थे क्लास लेने के लिए बस दो दिन पहले छुट्टी मिल पाती थी और वो भी कैसे पूरा नहीं होता था छुट्टी मिल जाती थी ना इतना भारी है वास्तविकता इतना भारी है ये पर टाइम उस हिसाब से अपने को देते नहीं कब हाँ क्या तीन चार हाँ अब वही तो मेन बात है कागज पे ना जुलाई से चल रहा है सेशन कागज पे सेशन जुलाई से देख एडमिशन सितंबर तक हुआ वहां वहां मजाक मत छोड़ो कब तक नवंबर तक बताओ अभी नवंबर तक एडमिशन लीजिए सोचने वाली बात है जब तुम्हारा एडमिशन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो तुम बात कर रहे हो इसकी सब चीजें ये सही में क्वेश्चन मार्क एक डेट होनी चाहिए डेट इतने से इतने डेट तक एडमिशन हुआ तो हुआ नहीं हटा दो मामला बंद करो ये बताओ अगर सोचने वाली बात है कि नहीं मतलब ये तो भंडारा हो गया आते रहो खाते रहो आते रहो खाते रहो ना अब बांध के घर भी ले जाओ ऐसी सिचुएशन आ गई मतलब घर का खाना होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से है बना भैया इतने बजे तक खा पी करके छुट्टी पा देंगे बर्तन मार के कल नया सवेरा होगा घर वाले कहते कल नया सवेरा भंडारा में रात बिरात ऐसे सारे बैठे हुए छके हारे बैठे हुए
एक लोग आगे दो लोग आगे भैया उठा कर सब जा अब हम भाग परस रहे सब्जी डालना है पत्तल में डाल दिए खोपड़ी नींद चढ़ी हुई सिस्टमेटिक में यही हाल अब ये लोग ना पढ़ाई भंडार बना रहे करते रहो एडमिशन दिसंबर तक करेंगे एग्जाम इनका लगना है जनवरी में एग्जाम लगना है दिसंबर तक एडमिशन हो रहा है बड़े ताज्जुब की बात है अगर ऐसा दिसंबर तक किए तो बहुत ताज्जुब की बात है बोले लैंग्वेज बोले सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 लिखना सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 बी फॉलो द डेफिनेशन ऑफ या बी फॉलो द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सो चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 we follow epsilon delta definition of continuity epsilon delta definition of continuity acha aap definition ko follow kar le to iska matlab aap kaise ho gaye continuous therefore fx is continuous therefore fx is continuous fx is continuous at x is equal to 2 जिसके मेरा दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा हो गया कंटीन्यूअस हो गया क्लियर है बातें अब दूसरे पर आते हैं सेकंड सेकंड फंक्शन मिलाना कॉपी से मिलाओ सेकंड फंक्शन fx इज इक्वल फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस 4 अपॉन x minus 2 x to the power 4 x to the power 4 sorry if x does not equal to 2 4 hai if who x is equal to 2 ठीक अब चेक करना है किस पर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है उसको मत लिखना एट एक्स इज इक्वल टू उस पर चेक करना है वो बाद में ना वो टाइम देखो इसमें उसी से भगाना रहे उसमें नहीं कितने नहीं 1 घंटा 21 मिनट के बाद तुम सुनना अब याद करते जाना 1 घंटा 21 मिनट शुरुआत की जाए मेरी कंटिन्यूटी कहाँ से स्टार्ट होगी 1 घंटा 21 मिनट से यह इसको याद रखना बस सुनो फिर वही काम सबसे पहला काम करो जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर फंक्शन का मान पता कर लो लिखना एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 बराबर बोलो एक्स बराबर 2 मिल गया अब आप एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चुन लो लिखना लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन माना मुझको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया गया है अब दिया गया है तो चलो शुरुआत करते हैं पता है ना क्या शुरुआत करेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अब पहुंच जाएंगे डेल्टा के सिलेक्शन पर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अब तो हम समझदार हैं सीधे कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस कितना 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ छोटा छोटा लिखें जिससे इजी मार्क है x minus 2 x plus 2 upon x minus 2 minus 4 ये और ये कैंसिल आउट हो x plus 2 minus 4 that is equal to mod of x minus 2 ये जिस पर कंटिन्यूटी चाहिए mod of x minus that point होता था कि नहीं और कंटिन्यूटी किस पर चाहिए 2 पर आ गया बस मुझको पता है इसी को less than epsilon कर दो इसी को less than epsilon कर दो आज की तारीख में epsilon और delta बराबर बैठे हैं this is less than epsilon whenever mod of x minus 2 less than डेल्टा भी नहीं बाद में डेल्टा बराबर एप्सिलॉन कर देंगे आगे डिफिनेशन पर कि नहीं आगे सोचो अब ना यहां से आखिरी देखना क्या लिखा गया गौर करना थोड़ी देर लिखना बंद करो लिखा गया है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन यही लिखा गया कि नहीं जब जब आप इसको एप्सिलॉन से कम करोगे किसको मॉड एक्स माइनस 2 को मुझको पता है खुद इसकी वैल्यू मॉड एक्स माइनस 2 है
तो जब जब आप इसको एप्सिलॉन से कम करोगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू खुद एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा कि नहीं, और आज की तारीख पे एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे हो गए बराबर। अब एप्सिलॉन बराबर एक बटा लोगे तो डेल्टा कितना, एप्सिलॉन वन बाई फोर लोगे डेल्टा कितना, हर चुने गए एप्सिलॉन के लिए वही डेल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होल्ड कर दीजिए, क्लियर हुआ, नोट करो पहले यहां से लेके वहां तक दौड़ा रहा फिर बताते हैं। इतना लिखने का नहीं, यही लिखना इफ वी चूज, दिस इंप्लाइज इफ वी चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, so if we choose delta is equal to epsilon mod of fx minus fr2 less than delta whenever mod of x minus 2 less than epsilon, और क्या आप epsilon delta definition of continuity follow कर रहे हो, आपके द्वारा चुने गए हर epsilon के लिए आपको delta मिल रहा है, function कैसा हुआ किस point पर, this implies that f of x is continuous at x दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा है continuous। क्या थर्ड वाला x cube minus 1 upon x square minus 1 कर सकते हो, कर सकते हो, फैक्टर करना है a cube minus b cube का फैक्टर, a cube minus b cube का फैक्टर क्या है, बस जान तो रहे, समझदार तो है, मुझसे ज्यादा हो जाए टेंशन फ्री रहो। अरे बहुत सिंपल है जो आपका, अच्छा वो बोलो बताए मेन फंक्शन क्या दिया गया था, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन, अरे बस नकल नकल सुनो नकल क्या, ये नीचे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इसका दो फैक्टर मारो, ये हो गया x माइनस वन, ये हो गया x प्लस वन, ये है ना, ये है ऊपर माइनस है पक्का ही बनेगा ऊपर x माइनस, और इधर वाला स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस, ये यही बनेगा ना। अब ये बताओ x माइनस वन कट गया, दोनों कट गए, और ये बताओ ये और ये कैंसिल, किस पर कंटिन्यूटी चाहिए, वन पर चार, तो यही माइनस वन कर देना, अब बैलेंस कर लोगे नहीं आएगा तो हमसे पूछना है, फिर से कर सकते हो तीसरा, तीन में से थ्री बाई टू, अच्छा एट वन पर थ्री बाई टू है ना, अच्छा सॉरी हाँ ये थ्री बाई टू, थ्री बाई ऐसे सॉरी इधर माइनस थ्री बाई टू ऐसा सॉ, लिख लो फटाफट न्यूमेरिकल कराएं, हो जाए बताना, इंतजार कर रहे हैं, वीडियो रोकने आप हैं उसमें बिना मतलब, प्रॉब्लम लिखना डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, अच्छा डिस्कस कहेगा ना, डिस्कस कहेगा तो आपको हर बात सही सलामत उसके बारे में कहनी अपने फंक्शन के बारे में, ठीक, ऐसा नहीं कि बस खाली हवा हवाई बातें करते उसके आगे कह जाओ, डिस्कस डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन discuss the continuity of the function, discuss the continuity of the function f of x defined by और मेरा function किस तरीके से defined है, function defined है f of x is equal to x square
ये तब है फॉर एक्स लेस देन माइनस टू पाई, और फोर है फॉर x greater than or equal to minus 2 less than or equal to plus 2. और एक और अभी खाली नहीं, x square for x is greater than, ये फंक्शन दिखा ठीक तीन टुकड़े में लिखा गया है. जब आपकी वैल्यू माइनस 2 से कम होगी, आपकी मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से कम होगी, तो आपका ग्राफ होगा y बराबर x स्क्वायर, मतलब फंक्शन का मान होगा y बराबर x स्क्वायर. जब माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगी, इवन माइनस टू और प्लस टू पर भी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, चार. और जब x ग्रेटर देन टू होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर. ये जो इनका थोबड़ा लगा ना ये, और ये जो इन्होंने अपना मेकअप दिखाया, इससे साफ जाहिर है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, खत्म. ये देख करके पता चलता है ये कंटिन्यूअस है. अच्छा तुम लोग कहोगे कैसे कंटिन्यूअस है, देखो ना हम क्यों कहे, ये जो थोबड़ा लगा वो जो मेकअप दिखा, इससे हमने कैसे कहा, ध्यान देना सुनो अपने ना, ये बताओ इस पूरी दुनिया में इसको भूल जाओ, भूल जाओ क्या भूलो क्या याद करो, इतने से एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, बेसिकली केवल दो बातें आ रही है, एक्स स्क्वायर और कौन फोर, दो ये ग्राफ आ रहे हैं अपने एक्स स्क्वायर और फोर. अब सुनना कैसे, कॉर्नर पर चाहे बाद में बना लेना, अभी नहीं बाद में बनवा देंगे, अभी खाली देखो. सबसे पहले y बराबर x स्क्वायर खींच लेते हैं, y बराबर x स्क्वायर, यह है y बराबर ठीक, एक ग्राफ लिया. दूसरा ग्राफ खींच लेते हैं y बराबर 4, y बराबर 4 का मतलब जानते हैं x कुछ भी डालोगे, कुछ भी आपको x एक्सिस के पैरेलल एक छत मिलेगी, वो छत चार ऊंचाई पर मौजूद होगी, मतलब y बराबर 4 x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो y बराबर 4 से होकर के जाएगी, ये यहां खींच के मान, y बराबर 4 ठीक, और ये कौन है y बराबर x स्क्वायर. डोमेन जरा अपना देखो, डोमेन क्या है, कहां से है, लेस देन माइनस टू से लेकर के ग्रेटर देन टू, लेस देन माइनस टू, ये गौर करना यहां कहीं पर, ये y बराबर 4 है ना, y बराबर 4 है, इसके जस्ट नीचे जो रहा होगा नेगेटिव में ये माइनस टू रहा, माइनस टू का स्क्वायर मारो कितना आएगा 4 ठीक है, और ये गौर करना ये कितना रहा होगा प्लस टू, क्योंकि दो दूना 4 वहीं पर पहुंचोगे. अब जरा गौर करना डोमेन ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, कैसे, एक्स के बारे में क्या कहा है, लेस देन माइनस टू, माइनस टू से छोटे हो, कितना छोटे हो ये बताया नहीं बताया, चाहे जितना छोटे हो, तो माइनस टू से छोटी वाली दुनिया इधर बसी पड़ी है कि नहीं बसी पड़ी, इधर वाला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ दियो, ये ऐसे चलता रहेगा, ये मोड़ते गलत है, ये बताना इधर जब आप एक्स रखोगे इधर, इधर x less than minus 2 है कि नहीं, हाँ या ना, अरे कितने से तो सहमत हो, और ये बताना minus 2 से ले करके और plus 2 तक क्या यही दुनिया होगी कि नहीं होगी, बोलो minus 2 से plus 2 तक एक x यहां पर है, तीने तो डोमेन दी, आपका डोमेन का तीने हिस्सा तो काटा गया है, कह रहे हैं x minus 2 से कम होगा और minus 2 से plus 2 के बीच में होगा और फिर 2 से ज्यादा होगा, यानी इधर जो x होगा वो ग्रेटर देन, यही तो बात है. अब आप ग्राफ की तरफ निगाह डालिए, दिमाग चलाना, जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू माइनस टू से कम होगी तो आपका मान कितना होगा, x स्क्वायर, मतलब जब हम x की वैल्यू माइनस टू से कम रखेंगे तो जिस ग्राफ की तरफ निगाह डालेंगे वो कौन होगा, y बराबर x स्क्वायर, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ, इस पर निगाह पड़े, जब हमारी वैल्यू माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगी तब y बराबर fx बराबर कितना होगा, चार, बोलना माइनस टू से प्लस टू के बीच में क्या आप यही हो कि नहीं, यही रहा. और ये बताना जब आप x दो से बड़े होगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, y बराबर x स्क्वायर, ये मिला, कितना हिस्सा काम में आया, ये और ये, यही आपके काम में आया, क्या ये निचला वाला ग्राफ आपके काम में आया, नहीं कट, ये मेरे किसी काम का ग्राफ नहीं है,
किसी काम का नहीं है। और कौन काम का नहीं है? ये जो लाइन चल रही है ये मेरे किसी काम की नहीं है और ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब जो मेरे काम का नहीं है उसको हम मिटाना चाहते हैं भाई, जो मेरे काम का नहीं है उसको भगा दो, यही तो इतना काम है। देखो बन गया ग्राफ, ये ग्राफ है मेरे दिए गए फंक्शन का। और ये बताओ क्या ये ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ है? परफेक्टली कंटिन्यूअस। इसका मतलब मेरा दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर कैसा है? कंटिन्यूअस। खत्म। यही होता है ग्राफ। जानते हो, ग्राफ जानते हो ना, देख करके हम केवल ना इसकी ये शक्ल देख करके ये इतना सोचो, यहां से आया पहले किधर था? जब कम थे ना तो एक्स स्क्वायर से आ रहे थे, कम थे तो एक्स स्क्वायर से आ रहे थे। जैसे माइनस दो से दो के बीच में चलना शुरू हो ना, हम फ्लैट चलना चालू किए, और जैसे दो के बाद फिर चलना शुरू किए ना, यूं उड़ गए रॉकेट की तरीके से। तो इसका मतलब ये चले गए, कैसे रहे? कंटिन्यूअस। क्या बीच में कहीं पर ब्रेक लिए? नहीं लिए। दैट्स व्हाई माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पल्ले पड़ी बातें, चले लिखा है, चलो लिखना तो वही पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ना, कुकुरा हो जाए। वैसे इसमें होता है ना, सोचो छिन भर में ये कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, छिन भर में ये कहेंगे, छिन भर में ये कहेंगे, तो ये झगड़ा चल रही। छिन भर में मतलब थोड़ी थोड़ी देर, एक बार उनका एक हाँ छड़ भर ना, इसी को बोलते हैं कुकुरा हो जाए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन बाद में फिगर बनवा देंगे, ठीक है? अभी ऐसे लिखना। अच्छा ये बताना, सुनो सुनो, कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये बताओ तुम शुरू में ऐसे एग्जांपल सुनो, शुरू में एक बस पे बैठ करके, एक बस पे बैठ के लखनऊ से आ रहे, अकबरपुर तक जाना है, ठीक है? लखनऊ से आ रहे या फैजाबाद जाना है, तो लखनऊ से फैजाबाद की सीधी बस नहीं पकड़े, बल्कि तुम लखनऊ से चले आए, बस से बैठ करके आए और सुल्तानपुर में उतर गए, सुल्तानपुर में उतर गए। तुम्हारा टाइम डिले किस पर होगा? वो बस जो कंटिन्यूअसली चल रही थी उसमें टाइम डिले होगा, उतरने के बाद टाइम डिले होगा, उतरने के बाद टाइम डिले होगा, ठीक? अगली बात सुनो, अब की बार तुम सुल्तानपुर से फैजाबाद जाना है, सुल्तानपुर से फिर बस पर बैठे, फिर बैठ गए, अब फिर इसके बाद चल दिए, चलते चलते पता चला बस खाली कूड़े भार तक ही जाएगी, उसके बाद बिगड़ गई, फिर वो आपको उतरना पड़ा, उतरना पड़ा। टाइम डिले कहां हुआ? सुल्तानपुर से वहां जाने में या उतरने के बाद? और उसके बाद वहां से बस पकड़े और निकल लिए सेक्टर से। तो लखनऊ से फैजाबाद जाने में कई बार स्टॉपेज लिए, दो बार, एक बार सुल्तानपुर में, एक बार वहां, जिस पॉइंट पर स्टॉपेज लेते हो ना, यही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बनते हैं, बीच वाले नहीं बनते। तो इसका मतलब सोचो, जब हम चले, गौर करना अपने ना, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे ये पता करना। क्या मुझको पर्टिकुलर कहा इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए? सामने लिखा, पिछली बार कहा x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, आपकी क्या कहा है? नहीं कहा। अब गौर करना, x लेस देन माइनस 2 से चल रहे हैं, इधर चल रहे लगातार, कहीं बदले नहीं, कहीं बदले नहीं, किस पर चल रहे थे? एक्स स्क्वायर पर। लेकिन जब माइनस 2 पर पहुंचे, बदल गए कि नहीं? आपकी किस पर आ गए? माइनस 2 से 2 के बीच में 4 पर। और जब 2 पर गए तो 2 के बाद फिर बदल गए, कितने पर? एक्स स्क्वायर पर। कई जगह पर बदल रहे हैं, दो जगह। यहां से चले माइनस 2 पर बदले, फिर हम नहीं बदले, फिर किस पर बदले? 2 पर। अब फिर नहीं बदले, तो कई बार बदले, 2 बार। तो कंटिन्यूटी केवल चेक होगी माइनस 2 पर और किस पर? इन्हीं 2 पॉइंट। ये हमेशा याद रखना, जहां पर आपका बिहेवियर जिस पॉइंट पर बदलना शुरू हुआ है उसी पॉइंट पर आप में खराबी आ सकती है। तुम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते कहीं पर दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट ईयर पार कर गए, तो सोचो फर्स्ट ईयर पार करके किसमें गए? सेकंड ईयर में ना, तो एग्जाम में ही डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। पूरे फर्स्ट ईयर पढ़ने के दौरान आप पास फेल नहीं होते, क्यों होते? कहीं नहीं होते, ये आप लगातार चल, लेकिन जब एग्जाम आता है, एग्जाम डिसाइड करता है आप अगली क्लास में जाओगे या इसमें। तो ये बताओ चेंजिंग किस पर हो रही? एग्जाम वाले हॉल में, एग्जाम हॉल में होने वाली चेंजिंग डिसाइड करते, एग्जाम हॉल में आप कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यू, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब आपका फंक्शन चलना शुरू हुआ ना,
जितने जितने पॉइंट पर फंक्शन अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा उतने उतने पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो आप डिस्कंटिन्यूटी उन्हीं पॉइंट पर चेक करोगे। क्लियर हुआ? सोचो हम यहां से चले, यहां से माइनस टू से कम पर चले, तो माइनस टू से कम पर चले आकर के टकराए किस पर? माइनस टू पर। लेकिन जैसे हम माइनस टू से टकराते हैं कहता अब तक एक्स स्क्वायर पर चले थे, अब मत चलना, अब किस पर चलोगे? वाई बराबर फोर पर। कहां से बदलाव आया? माइनस टू से। चल दिए वाई बराबर फोर पर, कोई बदलाव नहीं है। आ गए किस पर? रुक रहे हैं टू पर। टू पर आए तो फिर टोकना था कि शुरू कह रहा है दो पर आ गए ना, बस चार तक की बाउंड्री खत्म, अब किस पर चलोगे? फिर बदल दिया हमको, तो कई जगह बदला, दो जगह माइनस टू पर और प्लस टू पर, इन्हीं दो पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी आएगी तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, अदरवाइज आप एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाओगे। क्लियर हुआ? तो किस किस पॉइंट पर चेक किया जाए? माइनस टू और प्लस टू। मेन बात ये पहचानना जरूरी है, ऐसे न्यूमेरिकल जब आएंगे और कह देगा डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ दी फंक्शन, तो आपको यही बात दिमाग में रखनी है, जहां जहां फंक्शन अपनी वैल्यू में चेंज करने की शुरुआत करेगा उसी उसी पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी चेक होगी। क्लियर हुआ? चलो लिखना, हियर बी चेक, लैंग्वेज पहले लिख लो, हियर बी शैल चेक, हियर बी शैल चेक, तुमको लगा हम ग्राफ देख, गलती हम ग्राफ में पहले बना दिया, तुम लोग लगे सर ग्राफ से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, हम इससे बोल रहे हैं, ये बताओ। अच्छा इसी को तोड़ दे, सुनो इधर 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 वापस, ये आपका फंक्शन होता है, ये आपका डोमेन देता है, ये क्या देता है? डोमेन, बोलना क्या दे रहा है? आपका डोमेन दे रहा है माइनस टू प्लस टू, जो यहाँ डिजिट दिख रही है वो डिजिट क्या दिख रही है? डिजिट क्या दिख रही है? माइनस टू प्लस टू, लगा दिया नंबर लाइन पर। अब बोलना पहले क्या कह रहा है, पहले क्या एक्स लेस, मतलब डोमेन का पॉइंट लेस देन माइनस, बोलना क्या इधर का हिस्सा है? एक्स लेस देन माइनस टू। उसके बाद आप कहां पर आकर के रुक रहे हो? माइनस टू पर रुक रहे। इसके बाद बोलो क्या माइनस टू से टू के बीच में आप कहीं रुक रहे हो? आप हमेशा क्या रख रहे हो? चार, कहीं रुक तो नहीं रहे ना, तो इसका मतलब माइनस टू से टू के बीच में एक हिस्सा ये बना, सोचो एक हिस्सा है, कहीं वैल्यू नहीं बदल गई, चले आए। लेकिन फिर जैसे दो पर टकराए फिर मुझको फंक्शन के पास लौटना पड़ा कि नहीं? फंक्शन के पास लौटे, आपकी क्या कह रहा है? एक्स ग्रेटर देन, बांध दिया कि नहीं बांध दिया? एक्स ग्रेटर देन कितना? कई जगह पर आप ब्रेक लिए, कई जगह पर आप स्टॉप, माइनस टू। अगला सुनो, हम जानते हैं हम ग्राफ बना करके गलती की, महापाप हुआ, महापाप, आपको गंगा नहाना पड़ेगा और आपको गंगा में खोपड़ी डुबो करके मार दिया जाएगा, तब आपके पाप का उद्धार होगा। तो मेरे मन में दिन तय कर दी बहनी, कह रही मकर संक्रांति के दिन मार दिए, अरे पाप धुलने का तरीका हम क्या बोले वो भी तो सुन रहा है। Fx is equal to, कुछ भी इधर देखना, 3x plus 4 when x less than minus 4, x square when x greater than or equal to minus 4 but less than 0, 5 upon x जब x greater than or equal to 0 less than or equal to 9, नाइन चले गए, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद हम लोग चले गए साइन एक्स, जिस दिन एक्स ग्रेटर देन नाइन, पता है क्या पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी चेक करेंगे? पहले डोमेन डिसाइड कर लो, डोमेन क्या कह रहे हो? माइनस फोर से कम, माइनस फोर से कम की दुनिया कौन होती है? वो माइनस इंफिनिटी जो नजर आती है, पूरी दुनिया है, तो इसका मतलब ये रियल नंबर की लाइन खींचो, किस दिए आप दौड़ रहे हो माइनस इंफिनिटी कम से, और ये बताओ आखिरी छोर क्या है? नौ से बड़ा, नौ से बड़ा क्या होता है? दस, बारह, पंद्रह, पच्चीस, क्या कोई तय है कहां तक दौड़े? प्लस, ये आपका डोमेन, ये आपका डोमेन है, जिसका डोमेन आर, जिसका डोमेन पूरे पूरे रियल नंबर की लाइन होती है ना, आर क्लब के फंक्शन बोले जाते हैं, आर क्लब के फंक्शन। अब गौर करना, सुनो इधर आना, ये मेरा डोमेन है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, स्टॉपेज देखना, हम चलना शुरू करते हैं कहां से? कम से, कम से, नेगेटिव की दुनिया से, ठीक, नेगेटिव की दुनिया से चल रहे हैं और मुझको पता है क्या रहेंगे वो, देखो वो 3x plus 4, 3x plus 4 रहेंगे, कब तक रहेंगे? जब तक टकरा ना जाए किससे? माइनस 4 से, इसलिए टकराए माइनस 4 से,
क्या माइनस फोर के बाद मेरी बस बदल रही है कि नहीं, बस मतलब फंक्शन बदल रहा है। आप बोलो माइनस फोर के बाद जीरो तक हम क्या रहेंगे, तो किस पर बदलाव आया, डिस्कंटिन्यूटी किस पर चेक की जाएगी, तय हुआ। अब किस में, अब माइनस फोर से आगे जा रहे हैं, माइनस फोर से आगे गए तो देखो ग्राफ बदल चुका है, एक्स स्क्वायर का चल रहा है, अब एक्स स्क्वायर फंक्शन फंक्शन एक्स स्क्वायर चल रहा है, कहां तक चलेगा, जीरो तक चलेगा। जीरो के बाद क्या हम फिर बदल रहे हैं कि नहीं, तो डिस्कंटिन्यूटी आने का चांस कहां पर है, जहां पर बदलाव आया, जहां पर बदलाव है, पढ़ते 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 उब गए, उठना है, उठना है, एक बार उठ गए और पबजी खेलने चले गए, क्या पता आप पढ़ करके आओ या ना, कुछ पता है कि आप लौटोगे पढ़ने के लिए, क्या पता पबजी खेलते खेलते हर बार दुई बार मारे गए, तीन बार कैप की मारे के आएंगे, तो नहीं है। अरे तुम लोग पबजी वाले हो, तीन जीबी तुम लोग पबजी झोले रहते हो ना, जीरो पर आए, आपकी बात सुना, फिर जीरो से आगे बढ़े, बोलो जीरो से आगे कब तक आप क्या रहोगे, नौ तक आप क्या रहोगे, फाइव रहेगा, लेकिन नौ के बाद क्या आप फिर बदलोगे, फाइव पॉइंट पर आपने अपने आप को बदला, तीन पर बदला, तो आपकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी की चेकिंग होगी तो केवल किस पर होगी, क्या आपकी हमने वही ग्राफ बनाया, नहीं ना, बस डोमेन के पॉइंट देखो, बस डोमेन के पॉइंट जहां रहा आप बदल रहे हो, जहां जहां बदल रहे हो। अच्छा पता है इधर देखो, कोई धोखा दे, कोई धोखा दे, ऐसा कर x स्क्वायर व्हेनेवर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 9, अब ये ऐसा कहे, अब पता है क्या होगा, अब तुमको लग रहा है हां, अब की सुनना, 0 पर नहीं, 0 से कम पर भी क्या, अब जीरो पर भी क्या रहे, अब जीरो के ऊपर भी क्या रहे, तो आपकी कहां बदल रही, नौ पर, तो आपकी बार सोचो, आपकी बार, आपकी आपकी पहले चले कहां तक आए, माइनस फोर तक बदले हो, माइनस फोर से, अब माइनस फोर के बाद क्या रहे हो, एक्स स्क्वायर रहे, माइनस फोर के बाद एक्स स्क्वायर कहां तक रहे हो, जीरो से कम तक, लेकिन जीरो पर भी आप क्या रहे हो, अब जीरो बाद भी क्या रहे हो, लेकिन नौ से पहले तक क्या रहे हो, एक्स स्क्वायर, इतनी दूर तक आप क्या रहे, एक्स स्क्वायर, क्या बदले हो, क्या बदले हो, नहीं बदले हो, लेकिन नौ के बाद क्या हो गए, साइन एक्स बदल गए, तो इसका मतलब आपकी डिस्कंटिन्यूटी कहां चेक की जाएगी, माइनस फोर का काम, ये धोखा है, बीच में तोड़ करके दिखाना कि देखो टूट रहा है, टूटा नहीं, बीच रस्ते में जीरो पर बचा ले गया अपने आप, समझ में आई बातें, आप पता कर सकते हो किस किस पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी चेक होगी, ये याद रखना, ऐसे न्यूमेरिकल कभी नहीं कहेंगे कि आप डिस्कंटिन्यूटी इन्हीं पॉइंट पर चेक कीजिए, नहीं, तुमको समझना है कि डिस्कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक की जाएगी, क्लियर हुआ, चले आप सॉल्व करें, अभी दिक्कत खत्म है, चल भैया शुरुआत करते हैं, पढ़ा पढ़ा बोल, हाँ क्या लिखे हो, लैंग्वेज बता दो, बोल गए, डियर वी शैल चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स, हियर वी शैल चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स, हियर वी शैल चेक कंटिन्यूटी लिखे डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ठीक है, हियर वी शैल चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफएक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड प्लस टू, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड प्लस टू, here we shall check the continuity of fx at x is equal to minus 2 and plus 2, yahan function ki continuity do point par check karenge, kis par minus 2 par aur plus 2 par, do jagah par check karenge, chalo sabse pehle kis par check ki jaye, minus 2 par, aa jao shuruaat karte hain, heading dal dena at x is equal to minus 2, pehle at x is equal to minus 2, turant bolo, turant f of minus 2 at that point function ka maan kitna hoga, 4 hoga, यहीं से देखना x is equal to minus 2 पर कितना है, और ये डेटा है, डेटा यहीं से सारी बात निकालनी है, ठीक, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, कहां पर x tending to the minus 2 पर, चलो शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट h को मानना चाहो तो मानो, h को ना मानना चाहो ना तो छोड़ दो, सीधे सीधे बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approaches to the 2 minus and minus 2, और यहां पर क्या लिखा फंक्शन के पास, अब सुनो ध्यान से सुनो ना, बहुत ना पछताने वाली हरकतें होंगी अगर हम लोग यहां h लगाए, वो जहां पर नीचे बटे बटे में होंगे वहां लगाए, यहां नहीं, ये बताना x बढ़ रहा है,
वर्डिंग समझना, एक्स बढ़ रहा है किसकी तरफ, कहां से, लेफ्ट से, ये देखना, एक्स बढ़ रहा है माइनस टू की तरफ, कहां से, लेफ्ट साइड से, यही तो है लेफ्ट साइड, क्या पहुंचा है, नहीं पहुंचा, बढ़ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, हम यहां से देख के ये नहीं फील आ रहा है कि x is confirmly less than minus 2, क्या यही फील आ रहा है कि नहीं, और जब जब x less than minus 2 है वैल्यू कितनी है, x square है, तो फंक्शन क्या चढ़ाया जाए, लिमिट x approaches to the minus 2 minus, और यहां यहां क्या रखें, उठा करके minus 2 put करो, कितना आया, ऐसे लिख दे minus 2 का whole square, that is equal, सोचो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन इट अप्रोचेस टू माइनस 2, बस राइट हैंड की बात होता है, कंटीन्यूअस आ गई, हम ग्राफिकली दिखा चुके हैं, ठीक, और राइट हैंड की बात है, राइट हैंड लिमिट इधर भी देख लो एक बार फिर लिख लेना, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द माइनस 2 प्लस f ऑफ x, अभी गौर करना, x बढ़ रहा है किसकी तरफ, किधर से, राइट साइड से, राइट साइड मतलब इधर से बढ़ रहा है, अब की देखना ये है माइनस टू और x आ रहा है इसकी तरफ, लेकिन कहां से आ रहा है, राइट साइड से, और जो चीज राइट साइड में होती है वो माइनस टू से बड़ी है कम है, मतलब अपने को फील ही आ रहा है x इज ग्रेटर देन कितना, मतलब ग्रेटर देन का मतलब ना यहां से नहीं बढ़ रहा है कि 15 20 50 से, ये इसके बगल में है, बगल में यहां कहीं पर, अपने इसको दिखाने के लिए ऐसा यहां x approaches slightly बड़ा, और ये मतलब slightly बड़ा है तो बोलना x greater than minus 2 क्या चाहा, हो रहा है कि नहीं आया, तो बोलो यहां पर क्या रखा जाए, this is equal to limit x approaches to minus 2 plus, और यहां पर क्या, constant function, क्या कोई फर्क पड़ेगा, वापस कितना आएगा, जरा देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, x बराबर माइनस टू पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, प्रूफ x इज इक्वल टू माइनस टू पर कंटिन्यूअस, एच ओ सी लगाए ना बिना, मतलब खाली बढ़ाना है, कोई मतलब नहीं एच ओ सी लगाने का, हम लोग इतने बुरोस में फंसे हुए ना, असल में मेरे घर पे नेट धीमा चलने का एक रीजन है, गड्ढे में ना, गढ़े में ना, गढ़े में रहो नेटवर्क धीमा, अरे गढ़े मतलब जैसे जो गढ़ा खोद के रहते हैं, मेरा मोहल्ला जहाँ पर है 3 मंजिला मकान बनाओ ना, 3 मंजिला 11 फीट पे 3 मंजिला, तब इस सड़क के लेवल पर आए, तुम सोच लो क्या फीट दे रहा है, दैट इज प्रीटी गुड, हाँ आती है 2008 में, मेरा सेकंड ईयर चल रहा था, पूरे घर में पानी घुसा हुआ था ना, आती है बात, हर बारिश में जब बाढ़ आने वाली होती है ना, तब हम लोगों की सांस यहाँ होती है, तब हम लोग सोचते हैं अब की भागना पड़ेगा कि तब की भागना पड़ेगा, 2008 में पूरा सामान बटोर करके ऊपर छत पर रख उठा था, नर से नारायण बन चुके थे, और जो सांप वाप है ना, सांप वो सब आकर के चैनल में जो नागपाश का बंधन बना करके बैठे होते हैं, ये कहानी है, गोलाघाट, तुम गोलाघाट पे रहती हो, इस गली वली में कहीं पर नदी किनारे नहीं, उनको कुछ नदी किनारे बगलिए हो ना, तो भवन का पता होगा कैसे आती है कि नहीं आती, अच्छा तो तुम उतरबे नहीं करती नदी की तरफ, 2 दिन कूद करके देखो डर, चले अगले पे आए, हो गया ये मिटाया जाए, ये पीछे हो गया सबका, डर को खत्म करने का और क्या रास्ता है, एक दिन को लिखना, आप किस पर चेक करेंगे, माइनस टू हो चुका, आप किस पर, प्लस टू लिखना, एडिंग कर देना, एट एक्स इज इक्वल टू टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू, चलो एक्स इज इक्वल टू टू पर आना,
एट दैट पॉइंट फंक्शन का मान कितना, एट दैट पॉइंट फोर, सीधे सीधे ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द टू माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स। आओ चलो देखते हैं, ये बताओ एक्स बढ़ रहा है किसकी तरफ, किसकी तरफ, दो की तरफ, लेकिन कहां से बढ़ रहा है ये ऊपर माइनस जो है ना वो आपको डायरेक्शन बता रहा है कहां से बढ़ रहा है, कहां से, लेफ्ट से आना देखना इधर, ये टू है ये टू, और आप बढ़ रहे हो इनकी तरफ किधर से, लेफ्ट से। क्या हम ये कहें आप इनसे छोटे हो, और जिस दिन आप दो से छोटे हो, स्लाइटली छोटे हो, आपकी वैल्यू क्या होगी, फोर, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द टू माइनस फोर, और आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी, चार, और राइट हैंड लिमिट देखते हैं RHL is equal to limit x approaches to the 2 plus, अभी आप बढ़ रहे हो किसकी तरफ, कहां से, राइट से, राइट का मतलब 2 से स्लाइटली बड़े, ऐसा, और जिस दिन आप 2 से बड़े हो आपकी वैल्यू क्या चाहिए, x square, this is equal to, रखो दो, दो दुनी, चार, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट सब बराबर है, दो का भी कैसा है, कंटीन्यूअस ग्राफ के लिए दिखाई दिए थे, कंटीन्यूअस हो ग्राफिकली दिखाई दे, ग्राफ ऑफ ना बनाना भैया ना, कि बनाना चाहो तो कहो बनवा, बनाना ना कोई मतलब नहीं, बनाना हो तो बताओ ना, ब्यूटी में पढ़ा हुआ है दोबारा ना, मेरे कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे किसके, तो तीन बार नहीं तुम्हारी आईडी सबके पास, यूट्यूब है वो, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी थी अपने से ज्यादा, दो तीन बार नहीं, आप पहली बार देखते हो बस काम चलता है, उसके बाद तुम जिंदगी भर देखो उसी मोबाइल से, नहीं काम पे नहीं आई मोबाइल, अच्छा घर में दो तीन, अरे छोड़ो कौन यूज के लिए होता है, छोड़ो अपने अपना सुनो, मेरा यूट्यूब चैनल है, हम दिन चार बार कॉल कॉल करके देखेंगे, व्यूज चाहिए ना, हाँ ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर जी अभी तो आप कह रहे नहीं काउंट करेगा, अपन नहीं काउंट करेगा, अपने मैच वाले लेट वो काउंट कर रहा है, लेट वो काउंट कर रहा है, हम अपने चैनल 20 बार देख रहा है, व्यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं, एक बार देखे, दो बार देखे, तीन बार देखे, चार बार, तुम मत गिनो, हम तो देख रहे हैं बस ना, अब जिस दिन ऐसा करे तो पता चलेगा, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे लोग, इसको बुझाते हटाए हो जाए तो हटाए, नहीं बेल आइकन नहीं, बेल आइकन तो नहीं हटाए, नहीं आई है, हाल नहीं आई है, हाल बैठ के पढ़ रही हूँ कि कमरे बाहर नहीं निकली चाहे इसको बैठी को, अगला मेडिकल रोड करना प्रॉब्लम लिखो, show that the function, show that, पता है बवाल क्या है, सुनो बवाल क्या है, ग्राफ हम क्यों बनाए थे बता दें, बवाल ये है कभी 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 हम लोगों के टाइम में ऐसा हुआ है जब इसके सवाल दिया है और कहा हुआ है also draw the graph of the function, ये वज्रपात होता है, जब वो ये कहता है ना also draw the graph of the function, ये झोल है पूरी तरह, तब आपको draw करना पड़ेगा, तब draw करना, और वो मुश्किल नहीं देता, वो आसान आसान देता है, छोटे ये वाले नंबर, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसी वाली बात है, किताब में भी पता नहीं तुम लोगों किताब में है कि नहीं, कभी कभी किताब में ऐसा दे देता है, show that the function f defined as fx बराबर zero for x is equal to zero, one upon two minus x for x is greater than zero, less than one upon two for x is equal to one upon two. और 3 by 2 minus x for x is greater than 1 upon 2 less than 1 for x is equal to
एक दो तीन चार पांच, पांच हिस्से में फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब बोगस उठा रहे हैं पूरे फंक्शन, जितना फंक्शन था उसका एकदम बोगस टाइम में टुकड़े में बांट दिए। अब क्या क्या है, हैज हैज थ्री, हैज थ्री पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हैज थ्री पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, has three point of discontinuity, find such point, find such points, find such points, also draw the graph, also draw the graph। यही यही हमको दिक्कत लगती है, ये किताब में कहा ना, also draw the graph, ये करना है। अभी अपने पास टाइम क्या हो रहा है, चार पूरा पूरा, तीन पचपन, पांच पचपन, सुनो 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 सुनो, शुरू वाले लोग कौन कौन है, हाथ ऊपर करेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक बाकी लड़के दूर के नहीं है, लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़के नहीं, लड़के कहीं भी झंडा ही होते हैं चाहे जहां आए ना, सुनो अरे पहले सुनो, इसमें टाइम देख लो ठीक है, इसमें टाइम देख लो, अब ये वाला हम निपटा दें ना, इसमें टाइम देख लो, घर चली जाओ, एग्जैक्ट दो घंटे हो गए इसके। सबसे पहला काम, अरे अरे इधर इधर हटको मत, ये जानते हो कौन है ये, इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, लाइन कौन सी जो दौड़ रही है माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस, दैट द शताब्दी एक्सप्रेस। अब आपने देखा कहां से चले, अब सुनो कहां से चले, रुको शुरुआत में देखना, जाना है तुम कहां जाओगे यार, एक्स इज इक्वल टू जीरो से यहीं से तो चले, अच्छा स्टॉपेज देखना, जीरो जीरो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन और वन, रुक गए कि नहीं, अपने को बहुत नहीं दौड़ना, अपने को बस ये दौड़ना, ये देखना जीरो से बस, और बाकी मेरे लिए मेरा डोमेन ही नहीं, बस इतने कुछ का मेरा डोमेन है, बस इतना और नहीं। आप सुनो क्या क्या रहे, ग्रेटर देन जीरो लेकिन वन बाई टू से कम, जीरो से बड़ा और वन बाई टू से कम, जीरो से बड़ा वन बाई टू, ये वन बाई टू, लेकिन आप सुनो किनारा आ गया कि नहीं आ गया, किनारा कौन है, जीरो, वर्क ना इक्वल टू जीरो नहीं कहा, इक्वल टू जीरो नहीं कहा, ग्रेटर देन जीरो का इक्वल टू कहा तो तब पर भी ये किनारा था, किनारा सबसे कॉर्नर पर बैठा हुआ था ना, पिछली बार किनारा नहीं था, याद करो पिछली बार एक्स लेस देन कितना था, माइनस टू, जब कहीं किनारे खड़े नहीं हो तो क्या कोई खतरा है, खुला मैदान दिया था पीछे, माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आओ कहां तक, क्या तुम माइनस इंफिनिटी जानते हो कहां मौजूद था, नहीं मौजूद था, तो ये उधर कोई किनारा, आज तुमको कह रहा है जीरो से आगे, अब ये बताओ छत के छज्जे पर खड़े हो, डिस्कंटिन्यूटी आ सकती है, छज्जे पर खड़े हो या छज्जे पर नहीं, छज्जा का मतलब मान के चलो जैसे ये छत, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये पॉइंट कौन है, जीरो, क्या तुमको जीरो पर खड़े होने के लिए कहा है, नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं कहा, मतलब आप यहां से स्लाइटली आगे खड़े हो, स्लाइटली आगे ऐसे छत पर खड़े हो, पीछे ऐसे छज्जा है एकदम किनारे पर, अब बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई है, आयरन मैन की तरह इसे गिरो आया, डिस्कंटिन्यूटी इतनी हड्डी टूटेगी ना, डिस्कंटिन्यूटी रह जाएगी, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन करने की काबिलियत रख रहा है, पहली बार, ठीक, अगली बार सुना, स्टॉपेज कहां लिए, वन बाई टू से बदल गए कि नहीं, तो इसका मतलब और कौन, वन बाई टू चेक किया जाएगा कहां पर, जीरो पर और किस पर, वन बाई टू, अच्छा फिर सुनना, वन बाई टू के बाद फिर आगे बढ़ते हो कहां तक, वन तक, ये रहते हो हर बार, गौर करो हर बार बदल रहे हो, हर बार बदल रहे हो, तो इसका मतलब अब की बार किस पर चेक करोगे, तीन पॉइंट आए अपने पास, जीरो वन बाई टू और कितना वन, अगर मजे की बात है ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट शो दैट, आपकी बात साबित कीजिए, आवर फंक्शन हैज थ्री पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, यही तीनों डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट बने, यही तीनों, क्लियर हुआ, आप सुनो जब वो खुद कह रहा है, अब पागलपंथी वाली बात से बचना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल खुद कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई दीज हैज थ्री पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, और मुझको पता है जहां जहां मेरे अंदर बदलाव आ रहा है वो यही तीन पॉइंट है, जीरो है, वन बाई टू है और कितना है, वन है, तो इन पॉइंट पर सबसे पहला काम करना, सबसे पहला वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकाल लेना,
निकाल लिए और बस एक के लिमिट निकालना, चाहे लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड, एक के लिमिट निकालना वो डिसकंटिन्यूअस है ना भाई, दोनों बराबर वही दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम कहे राइट हैंड निकालने जाएंगे, लेफ्ट हैंड निकाले वैल्यू आपके फंक्शन बराबर नहीं, बोल दिया डिसकंटिन्यूअस आए किस पर 1/2 पर, जो मर्जी एट दैट पॉइंट वैल्यू निकाल लिया, लेफ्ट हैंड निकाल लो बराबर नहीं आए बोलो, लेकिन अगर बराबर आ गया तो तब बढ़ेंगे किसकी तरफ, तब बढ़ेंगे उसके पहले नहीं बढ़ेंगे, ये मत करना कि लिखा गया है बड़े एकदम ईमानदार बन के लेफ्ट निकालेंगे राइट निकालेंगे थर्ड पर लो आप दी फंक्शन एट दैट पॉइंट, नहीं वो तो वैसे भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस है तो दिखाना है, क्लियर हुआ, ग्राफ वाली चर्चा पाप पहले, चलो इतना समझ आई बातें सबको, चलो फटाफट क्या हम पूरा अच्छा इसको लिखे अच्छा एक चीज करो, अरे एक चीज पे मेरी निगाह नहीं है अभी जा रहे हैं, एक चीज पे हम यहीं तक देखते रहे, ये उपरांत तो था एट जीरो पर खड़े होने को बोला है, अरे नहीं वो तो कहा x बराबर जीरो पर वैल्यू कितनी है, लेकिन कहा तो है x बराबर जीरो पर, मेरे ध्यान नहीं गया, हम बस इतने देख रहे हैं उसको, हम देख पाए नहीं इतना छोटा हम उसको लिखे क्यों, क्लियर तुमको इसके बीच में बना लेता हूं, आप पता है अब मेरा जो डोमेन है, मेरा डोमेन जीरो से लेके कहां तक है, मतलब आवर डोमेन इस दोनों क्या लिखने वाला है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर के वन, क्योंकि मुझको एक्स बराबर एक पर भी खड़ा होना और एक्स बराबर जीरो पर, दोनों मेरे पास शामिल, दोनों पर वैल्यू दी गई है, तो मेरा डोमेन कौन हुआ क्लोज इंटरवल जीरो से, लेकिन हाँ स्टॉपेज पॉइंट वही है जीरो वन बाई टू और वन, और यही तीन पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, पहले यही लाइन लिखो डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल जीरो से, अभी हम तुमको ये भी बता जीरो से वन बाई टू में आपके पास कोई डिस्कंटिन्यूटी आ भी नहीं सकती, बताना पड़ेगा, अरे ये भी तो हो सकता है जीरो से वन बाई टू में आपको जो फंक्शन दिया गया है किसी पॉइंट पर अपनी वैल्यू ना डिफाइंड कर रहा हो, पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल, तो पहले आप अपने फंक्शन को भी देखेंगे ठीक है, अरे सारे तरीके हैं इसके, तभी तो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल बढ़ाने पड़ते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग लिख चुके, ये बताओ क्या ये वन डिग्री का पॉलिनोमियल है कि नहीं, वन डिग्री का पॉलिनोमियल, अच्छा दूसरी बात क्या ये y बराबर mx plus c है कि नहीं है, y बराबर mx plus c क्या होती है, एक लाइन, लाइन कभी टूटा ही नहीं होती है, कंटिन्यूअस होती है, तो इसका मतलब अगर हम लाइन से कहें तो भी ये कंटिन्यूअस है, अगर हम इसको पॉलिनोमियल कहें, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये बताओ जीरो से लेकर के 1/2 तक के बीच में, ध्यान से सुनना जीरो से लेकर के 1/2 तक के बीच में, ना तो जीरो पर ना तो 1/2 पर, इसके बीच में हर बार फंक्शन की वैल्यू कितनी रहती है, एक पॉलिनोमियल रहती है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑलवेज कैसा होता है कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब 0 से 1/2 तक के बीच में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, 0 से 1/2 तक के बीच में फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, तो किस पर आई 0 पर और 1 पर, वहां शंका है आने की, लेकिन उसके बीच में किसी पॉइंट पर आपको डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली नहीं है, फिर सुनना इधर क्या ये और ये बिल्कुल दिखने में एक जैसे है कि नहीं, एक जैसे है, तो इसका मतलब 1/2 से 1 तक के बीच में भी कहीं डिस्कंटिन्यूटी नहीं आएगी, सोचो मेरा डोमेन कितना है, मेरा डोमेन है 0 से लेकर के कहां तक, इतने डोमेन है, तो हमने पहले चेक किया 0 से लेकर के 1/2 तक के बीच में, और इसमें मेरा फंक्शन क्या बना रहा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कहां इनके बीच में, बीच की बात है, जब हम कहते हैं ना बीच में तो हम कॉर्नर पॉइंट को छोड़ करके बात करते हैं, ठीक 1/2 से लेकर के 1 तक मेरा फंक्शन कितना है 3/2 माइनस x, जो कि खुद कैसा है पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये भी कैसा है, मतलब ना तो बीच में डिस्कंटिन्यूटी ना तो इस बीच में कहीं डिस्कंटिन्यूटी, तो बचे क्या है 3 0 1/2 और 1, एग्जामिनर को अपनी बात से सर्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने के बीच में कोई डिस्कंटिन्यूटी आने वाली नहीं है, अगर शंका होती ना वहां भी चेक करते आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है बातें, लिखा जाए कंफ्यूज हो स्वाति क्या, चलो लिखने की शुरुआत, ये भी दिखाना पड़ेगा सर तो इसके बीच में कंटिन्यूअस है, लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन में तो कहा है कि ये डिफाइन करना है, शो करना है कि तीन
तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये दिखा दे रहे कि तीन पॉइंट कैसे दिखाओगी, ये तो पता चले कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, ये तो पता चले, क्या पता बीच में आ जाती तो, क्या पता बीच में आती, यही तो सीखने वाली बात। अभी तो हम छल भी आते रहते हैं कि मतलब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और ये चीजें सीखने की। अब अगर हम तुमको ना बताएं, हम रफली करा दें, देखो हम रफली करा दें, तुमको भी लगेगा यही तीन पॉइंट पे चेक कर लेना है, तुमको भी यही लगेगा कि तीन पॉइंट पे चेक कर लेना है। लेकिन फंक्शन क्या है, एक का फंक्शन होता है दुनिया में। अभी एक तो लिखे थे तीन हिस्से में, आपकी लिख रहे हैं पांच हिस्से में, बदल गया कि नहीं, अगला लिख देंगे सात हिस्से, बदल जाएगा। अलग अलग तरीके का फंक्शन, अलग अलग तरीके का हाल हो रहा है, इसका मतलब बीच में भी तो मायने रख रहा है कहीं ना कहीं पर। अगर बीच में डिस्कंटिन्यूटी आ रही होती कहीं पर ना, हम अपने फंक्शन को वहीं से काट देते, फिर दो टुकड़े तैयार करते। ये बताओ इतना बड़ा आपके पास कद्दू मौजूद है और उसमें एक जगह पर सड़न है, एक जगह पर सड़न है, तो क्या करोगे? वो सड़न वहीं पर है ये जानने के लिए उसको ब्रेक कर दे, दो हिस्से में बांट दिए कि नहीं, दो हिस्से में बांट दिए, इधर का हिस्सा साफ सुथरा बच गया, इधर के हिस्से में सड़न आ गया, जहां सड़न आ गई सड़न काट करके निकाल, अब आपका फंक्शन वेरीफाई हो गया। ये तरीका होता, और या तो पूरा कद्दू है तो लेके झटको बैठो इसे 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 गुलिया करके काटो, दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो पूरे फंक्शन में से एक ही पॉइंट हो और डिस्कंटिन्यू। लेकिन सोचो जो आपकी आलू होती है, आलू जगह जगह में जब उसके पास थोड़ा थोड़ा स्पॉटेड पड़ा रहता है, काला काला स्पॉट रहता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता ही नहीं, आप अपने फंक्शन को ही ब्रेक कर रहे हैं। यही फील है गणित का, और गणित का कोई फील नहीं। कोई ये कहेगा कहानी पूरी बेकार है, नहीं तुम बेकार हो, ये कहानी नहीं बेकार है, आप फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश कर रहे हो। किस तरीके से? जब आपकी सिंगुलरिटी सॉरी जब आपकी डिस्कंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, आप फंक्शन को रीडिफाइंड कर रहे हो, तब आप ये काम करो। तो पूरा आलू ही पिल 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 करो, आप बताओ क्या काट के निकालोगे? ना इधर लेफ्ट हैंड एलिमेंट एग्जिस्ट, ना राइट में कुछ एग्जिस्ट किया, नॉट रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। पाकशास्त्र एक कला है जो आपको गणित, अरे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, यही एक टाइप इसमें सिंगुलरिटी बन जा रहा होगा, यही। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा ये हम मिटा दें, ये हम मिटा दें, बाद में लिखेंगे, जगह कम। चलो क्या पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है। आप क्या लिखे हो? क्लियरली डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल जीरो से, यही लिखे हो ना, अरे डोमेन क्लोज इंटरवल जीरो, ठीक ना। इन दिस डोमेन जो आपको दिया गया है, इन दिस डोमेन देखो, इन दिस डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये जो डोमेन दिया गया जीरो से वन में, इसमें मुझको नजर आता है कि मेरा फंक्शन एफ एक्स वन बाई टू माइनस एक्स है, वन बाई टू माइनस एक्स है। कब? जब एक्स जीरो से वन बाई टू के बीच में बैठा है तब। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेन When x ऐसे लिखना, when x greater than zero less than one upon ऐसे लिखना। मुझको अपने फंक्शन में नजर आता है कि जब मेरा x जीरो से बड़ा और वन बाई टू से कम है, एक that is यानि कि that is अर्थात x belong to the open interval zero से वन upon, जब x open interval zero से वन बाई टू है तो मेरा फंक्शन f x is equal to one upon two minus k इधर बना x, it this implies that। अच्छा ये बताओ क्या ये ऐसे लिखते हैं? पॉलीनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। और पॉलीनोमियल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल जीरो से वन अपॉइंट टू। एफ एक्स जीरो से वन अपॉइंट टू में कैसा बना रहेगा? कंटिन्यूअस। अच्छा आप जरा अपने न्यूमेरिकल पर निगाह डालना, वन बाई टू से वन के बीच में भी यही हाल है, 1 by 2 से 1 के बीच में यही हाल है, तो क्या हम बिना मतलब का कचकच करें या सीधे लिखें? सेम होल्ड व्हेन fx व्हेन x बिलोंग टू 1 by 2 टू 1, लिखें, समझ जाओगे? सेम होल्ड्स व्हेन x बिलोंग टू 1 by 2 से लेकर के, यही बात है।
x belong to the verb part 2 से लेकर के verb तक के बीच में जब रहेगा तब तक ये सेम बातें होल्ड करेंगी, क्लियर हो गया? अच्छा अब ये बताओ, अब कंटिन्यूटी चेक करने के बस अपने पास तीन पॉइंट रहे डिसकंटिन्यूटी के लिए, जीरो हो गया, verb part 2 हो गया, इसी बात को लिखो, बोले लिखो क्या हुआ अभी नहीं हुआ, सो बी चेक, सो बी चेक द कंटिन्यूटी, सो बी चेक द कंटिन्यूटी, इसलिए हम कंटिन्यूटी की चेकिंग करेंगे, सो बी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो। अरे कंटिन्यूटी चेक करना, अभी हमने एक थोड़ी कहा कि कंटिन्यूटी आ गई, नहीं चेक कर रहे हैं आई कि नहीं आई, नहीं आएगी तो आप डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट हो, सो बी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो कॉमा वन बाई टू कॉमा वन, x is equal to 0, 1 by 2, 1, इन तीन पॉइंट पर अपने लोग चेक करेंगे, ठीक? आप सुनो, पहली हेडिंग होगी at x is equal to 0, पहली हेडिंग at x is equal to 0, एक करवा रहे हैं x बराबर 0 का, ठीक है? बाकी दोनों हिस्सा अभी तुम ही लोगों से तुरंत का तुरंत जान ले रहे हैं कैसे होगा, पहला at x is equal to 0, हेडिंग है at x is equal to 0, बोलो f of 0 is equal to, जरा देख कर के बताओ at 0 सबसे पहली वैल्यू 0 है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू द, एक्स अप्रोचेस टू द किस पर चले, किस पर चले, जीरो माइनस, जीरो माइनस, यही। अब ये बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जीरो माइनस, हम इसीलिए तुम लोगों की तरफ घूमे, जरा अपने फंक्शन की तरफ, फंक्शन हमको बोलो क्या था एफ एक्स बराबर, अरे ये भी तो देखना ना अपने चल भी सकते हैं कि नहीं, तो हमको करो सर जी आगे बढ़ते जाइए, तो छत पे हमको खड़ा किए हो तो सर जी आगे बढ़ेंगे भी ना, ये बताना एफ एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या था, जीरो था, कब एक्स बराबर जीरो, फिर क्या था वन बाई टू माइनस एक्स, कब एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन बाई टू, और क्या था वन बाई टू, कब वन बाई टू, और क्या था टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस एक्स, कब वन बाई टू लेस देन वन, ऐसा x greater than 1 by 2 less than 1 or 1 at x is equal to 1, डोमेन क्या आया था, डोमेन क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1, तो डोमेन ही 0 से शुरू हो रहा है, इधर से आप ही पाओगे, आप ही पाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हो, क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, हाँ अभी समझे, तुरंत मुना खोल देना कि लेफ्ट हैंड निकाल दो 0 माइनस, नहीं अपने ये निकालना पड़ेगा, डोमेन बननी जीरो से वन तक ही है ना, याद करो तुम लोगों के एक्चुअल डेफिनेशन लिखवाए हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, लिखवाए कि नहीं लिखवाए ना, बस वही किस्सा आ चुका है, अरे भी बहुत जल्दी छुट्टी पाना चाहती है तुरंत, जीरो प्लस एक्स टेंडिंग टू द जीरो प्लस, सुनो जीरो से बड़े हो, हाँ जीरो से बड़े, जीरो से बड़े, ये बताओ किसकी तरफ चल रहे हो, जीरो, अब किधर से, अच्छा ऐसा ये जीरो से लेकर के बंद यहाँ से आ रहे हो ना, यहाँ जीरो से बड़े, जीरो से बड़े पर देखो हाल क्या है, वन अपॉन टू माइनस एक्स, रखो जरा जीरो कितनी आई, लिखो क्या दोनों बराबर आई, नहीं आई, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंफ्यूज नहीं, f of 0 does not equal to RHI implies that discontinuous at x बराबर 0, x बराबर 0 पर आपका फंक्शन कैसा हो गया, discontinuous हो गया, बस फटाफट लिखो, बस ये आखिरी करवा और नहीं करवा, ये आखिरी करवा, जान रहे थक चुके तुम लोग पूरी तरह से ना, वो लगता है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल करके निचोड़ दिया, जैसे तुम्हारी एनर्जी का पैकेट डाल दिया, क्या करें यार मजबूरी है ना, अपने भी इतना ज्यादा, हमको भी पता है गणित में इतना ज्यादा बैठा करके ना खाली बस घास छीनी जा सकती है, समझाया जा सकता है, या हमको गणित की क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे इससे ऊपर गणित थोड़ा सा बोरियत भरा है, फिर भी अपने लोग किसी भी तरीके से बैलेंस करते हैं, लोग कहते हैं ना पढ़ा रहे हैं कि मस्खरापन कर रहे हैं,
अब उनको क्या समझाया जाए कि हम जिस दर्द को झेल रहे हैं उस दर्द को तुम नहीं जानते। गणित वाले का दर्द अलग है। अगला किसको चेक करें? x is equal to 1 upon 2 पर लिखना है d at x is equal to 1 upon 2 x is equal to 1 upon 2 बोलो 1 by 2 पर वैल्यू देखो 1 लिया तो f of 1 upon 2 is equal to 1 upon लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी निकालो दोनों तरफ चलने का आजादी है क्या निकालो बोलो जो कहो वो निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द 1 अपॉन 2 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू द 1 अपॉन 2 माइनस किधर से चल रहे हो 1 by 2 से छोटे की तरफ 1 by 2 से छोटा 1 by 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x रखो जरा जीरो क्या ये दोनों बराबर है नहीं f of 1 upon 2 does not equal to left hand limit ठीक discontinuous discontinuous at x is equal to 1 upon x is equal to 1 upon 2 पर कैसा होगा discontinuous अब ये बताओ तीसरा पॉइंट 1 पर निकाल सकते हो discontinuous ही आएगा ठीक है उस पर निकाल लेंगे सुनो दो न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं दो करवा लो अभी कुछ ग्रुप में अपलोड करो ठीक है अभी कुछ ग्रुप में अपलोड कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया मतलब कॉन्सेप्ट टॉपिक भी खत्म अभी कुछ ग्रुप में अपलोड कर दीजिए ठीक है समझना जहां ऐसे ही निकला है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी ऐसा ही कुछ ठीक समझना जो नहीं आएगा वो हम लोग कल डिस्कस कर लिया जाएगा ठीक है ठीक है और सुनो 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 डिफरेंशियल इनको पहले रहते हैं